please give an energetic and warm welcome to the one and only Sandeep Maheshwari. Good morning, everybody. कुछ गड़बड़ लग रही है, थोड़ी सी चेक करना पड़ेगा. अभी जो 2012 का इंडिया का बजट आया था उसमें इंडियन गवर्नमेंट ने खुश होने पे और एक्साइटेड होने में कितना टैक्स लगाया. एक बार दोबारा ट्राई करते हैं विद फुल ऑफ एक्साइटमेंट और थोड़ी खुशी के साथ. Good morning, everybody! आज से 2.5 साल पहले एक MBA कॉलेज में मुझे बुलाया गया था पुणे में एक स्पीच देने के लिए. पूरी तैयारी करी, एक महीने तक रट्टा मारा स्पीच की. मैं पूरा कॉन्फिडेंट था कि मैं दे दूंगा स्पीच, कोई प्रॉब्लम नहीं है. वहाँ गया स्टेज पे जा करके, जैसे ही मैंने देखा 400-500 लोग सामने बैठे हुए हैं, सब भूल गया, ब्लैंक एकदम. मैं कही क्या हो रहा है. अपनी वो पर्चा उठाया जो पर्चा में ले करके गया था जिसमें सारा कुछ था, और स्टेज के पीछे एक कमरा था उसमें जा करके एंटर कर गया. उधर जा करके और फटाफट अपना याद करने लग गया. इतनी देर में सामने से एक लड़की आई, आकर कहती सर आप यहाँ क्या कर रहे हो, आपकी तो स्पीच है. मैंने कहा यार मैं थोड़ा सा ना वो स्पीच को देख रहा हूँ. तो देख के समझ गई मेरी हालत. कहती आप नर्वस हो. मैं नहीं नहीं क्या बात कर रहे हो, मैं नर्वस लग रहा हूँ आपको. क्या बात कर रही है. तो कहती अच्छा, एकदम सीरियस हो गई, ऐसे हाथ फोल्ड करके खड़ी हो गई. कहती अच्छा आप नर्वस नहीं हो तो ये लेडीज टॉयलेट में क्या कर रहे हो. मैं पहले इधर देखा आराम से, उधर देखा. मैं शिट. उसके बाद जब ये हुआ किसी तरीके से मैं स्टेज पे चला गया. स्टेज पे जा करके खड़ा हो गया पोडियम के सामने. अब सपोज आप इमेजिन करो सिचुएशन क्या होगी वहाँ पे. ये पोडियम है और मैं स्पीच देने के लिए खड़ा हुआ पूरी तैयारी के साथ. गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माय नेम इज संदीप महेश्वरी एंड टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ब्लैंक. एक सेकंड निकला, 2 सेकंड, 10 सेकंड, ऐसे में क्या होता है एक एक सेकंड भी एक साल जैसा निकल रहा होता है. ऑडियंस बैठ के इस तरीके से घूर रही होती है जैसे मैं कोई दूसरे प्लैनेट से आया हूँ, जैसे आप लोग अभी मुझे देख रहे हैं कि मैं पता नहीं क्या करने वाला हूँ यहाँ पर. अरे भाई आप में से ही एक हूँ. उसके बाद नियर अबाउट 1.5 मिनट बाद वहाँ खड़ा रहा मैं. ऑडियंस में ही एक लड़का बैठा हुआ था उसी कॉलेज का, उसने मुझे बोला कम ऑन सर यू कैन डू इट. मुझे झटका लगा. मैंने कहा यार ये कह रहा है तो शायद मैं कर सकता हूँ. फिर मैंने बोलना शुरू किया, किसी तरीके से अपनी वो स्पीच ख़त्म करी और नीचे उतरा. तो मेरे इस एक्सपीरियंस से ना मैंने 2 चीज़ें सीखी हैं लाइफ में, कि अगर मैं कर सकता हूँ ना, मेरे जैसा लड़का जिसको बचपन में बोलते थे कि ये संदीप तो भाई बहुत शर्मीला है, दब्बू है, कहीं आया जाया कर, तो मैं कहीं नहीं जाता आता था, कुछ नहीं, घर में बैठा रहता था, स्कूल में कोई मेरा फ्रेंड नहीं था. तो अगर मेरे जैसा लड़का जो इतना दब्बू था, अगर वो वहाँ से यहाँ इस स्टेज पे आकर के आप लोगों के सामने बोल सकता है, 2 घंटे छोड़ो 5 मिनट भी बोल सकता है, तो इस दुनिया में कोई भी कुछ भी कर सकता है. ये थी एक चीज़. और दूसरी चीज़ जो समझ आई वो मैंने कान पकड़ लिया. मैंने कहा भैया ज़िंदगी में कभी रट्टा नहीं मारना, और इसीलिए आज मैं जो कुछ भी बोलने वाला हूँ मेरी जेब में कोई पर्चा नहीं है, कोई तैयारी नहीं है, कोई रट्टा नहीं मारा, मुझे कुछ नहीं पता मैं क्या करने वाला हूँ. मतलब कि ये सेमिनार यहाँ से नहीं होगा, यहाँ से होगा, मेरे दिल से होने वाला है. जो दिल में आएगा डायरेक्ट बोलूंगा, बीच में कोई फिल्टर नहीं, कोई बीच में नहीं, कुछ नहीं. आर यू ऑल एक्साइटेड? अब जो आपका एक्साइटमेंट लेवल यहां था वो यहां तक पहुंचा है. अब मैं ऐसे 3 बड़े बड़े कमिटमेंट्स करने वाला हूं जिसको सुनकर आपका एक्साइटमेंट लेवल यहां से वहां पहुंच जाएगा, शायद तोड़ करके बाहर निकलेगा. ओके, पहला कमिटमेंट कि ये आज का दिन आप सबकी जिंदगी का सबसे बड़े दिनों में से एक होने वाला है. सबसे बड़े दिनों में, और इसको आप कभी नहीं भुला पाओगे, कभी नहीं. और अब मैं इसलिए बोल नहीं रहा, मैं ये कमिट कर रहा हूं, हजारों लोग यहां बैठे हैं जिनको मैं नहीं जानता,
अगर इन सब में से किसी एक को भी ऐसा लग जाए कि ये दिन इतना बड़ा नहीं था या इतना अच्छा नहीं था, तो आप सबके सामने मुझे सेमिनार के खत्म होते टाइम बोलिएगा, मैं हाथ जोड़ करके यहीं सबके सामने उस पर्सन से माफ़ी मांगने वाला हूँ उसका टाइम खराब करने के लिए। तो ये है मेरा कमिटमेंट पहला। दूसरा कमिटमेंट, आप में से कुछ लोगों के मन में चल रहा होगा कि यार चलो समझ आता है कि आज हमारा कुछ फ़ायदा होने वाला है, कुछ मज़ा आने वाला है, आप सीधा सीधा बताओ आपका क्या फ़ायदा है? तो ये क्यों कर रहे हो, ये सब किस लिए हो रहा है? आपने जब भी कहीं देखा होगा फ्री वर्ड लिखा होता है तो उसके ऊपर एक छोटा सा स्टार होता है, छोटा जो कोई देख नहीं पाता, और नीचे उस स्टार के लिखा होता है कंडीशंस अप्लाई। यहां पे भी एक छोटा सा स्टार है जो शायद आप लोगों ने नहीं देखा होगा, और उस स्टार के नीचे लिखा हुआ है नो कंडीशंस अप्लाई। मतलब यह है कि ना तो आज ना जिंदगी में कभी भी मैं आप में से किसी से भी एक रुपए भी लेने वाला हूं, ना ही अपने फायदे की कोई बात करने वाला हूं किसी भी तरीके से, ना डायरेक्ट ना इनडायरेक्ट, कभी नहीं। और मेरा फायदा नहीं है लेकिन वजह जरूर है, और वो वजह जैसे जैसे सेमिनार आगे बढ़ेगा आपको अपने आप समझ आती चली जाएगी कि वो वजह क्या है, और बहुत बड़ी वजह है वो। फाइनल कमिटमेंट, तीसरा कमिटमेंट, ये कमिटमेंट कम और सरप्राइज ज्यादा है कि आज का दिन जो ये सेमिनार हो रहा है ये मेरी जिंदगी का आखिरी सेमिनार है, आखिरी लाइफ चेंजिंग सेमिनार। और इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, वो मैं आपको इस सेमिनार के लास्ट में बताऊंगा, एंड में बताऊंगा कि वो वजह क्या है जिस वजह से लास्ट सेमिनार है। अब इतने बड़े बड़े कमिटमेंट्स कर दिए, अब मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं कि इस सेमिनार में आज होने क्या वाला है। यहां कितने लोग हैं जो सक्सेसफुल होना चाहते हैं? यस। अब इसमें से कितने लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि वो ऑलरेडी बहुत सक्सेसफुल हैं? इतने कम? अरे भाई क्या हो रहा है, मैं प्रूव कर सकता हूं अभी कि अभी कि आप सब लोग बहुत सक्सेसफुल हैं। यहां ड्राइविंग कितने लोगों को आती है? ड्राइविंग आती है। इसमें से टू व्हीलर कितने लोगों के पास है जो टू व्हीलर चलाते हैं? अब ये जो आप लोग टू व्हीलर चलाते हैं, जैसे आपने बोला आप टू व्हीलर चलाते हैं, तो कहां चलाते हैं आप ये टू व्हीलर? दिल्ली में, और कुछ लोग इंडिया की अलग अलग सिटीज में। आप जो मुझे समझ आ रहा है, इंडिया की सड़कों पे पता नहीं कितने सालों से एक टू व्हीलर चला रहे हैं और अभी भी जिंदा है। यार ये सक्सेस नहीं है क्या? बहुत बड़ी सक्सेस है। और अगर किसी को अभी भी डाउट है तो किसी फिरंगी को बोलो यहां पे आकर के बाइक चलाने के लिए, बोलो। मैं बताता हूं क्या होगा, अगले ही दिन, 10 दिन नहीं लगेंगे, अगले ही दिन उसकी फोटोग्राफ के सामने कैंडल जल रही होंगी। वो लोग हार नहीं चढ़ाते ना, और कोई आ करके पूछेगा उसकी माँ से, बड़ा अफसोस हुआ, कैसे हुआ ये सब? उसकी माँ कहेगी, इससे बहुत बड़ी गलती हो गया, इसने रेड लाइट जंप नहीं किया। कहते हैं देखो सिंपल है, यहाँ पे रेड लाइट पे कोई नहीं रुकता, लोग चलता रहता है, जब दूसरी तरफ से जिन लोगों की लाइट ग्रीन है वो गुस्से से देख करके ऐसे ना कर दे। कहाँ कहाँ आ रहा है भाई, कहाँ? ये सब ना करे तब तक रुकना मत बेटा, बस चलते रहना चलते रहना। उसको समझ नहीं आया, उसने दिमाग लगा लिया, रेड लाइट पे ब्रेक मारा, वो तो रुक गया लेकिन उसके पीछे बस वाला नहीं रुका, उसको साथ ले गया। मतलब कि वो अपनी लाइफ में, अपनी कंट्री में बहुत सक्सेसफुल था बहुत सारी चीजों में, लेकिन इंडिया की ड्राइविंग में फेल हो गया, बुरे तरीके से फेल हो गया। और आप लोग सक्सेसफुल हैं, तो प्रॉब्लम क्या है कि टाइम के साथ साथ सक्सेस की डेफिनेशन चेंज होती रहती है। पहले एक टाइम में ड्राइविंग ही सक्सेस था, अब जब ड्राइविंग आ गई तो डेफिनेशन चेंज, डिग्री मिलना सक्सेस हो गया। ऐसे ही हुआ, डिग्री भी मिल गई, उसके बाद में था कि एक अच्छी सी जॉब मिल जाए या मैं बिजनेस कर लूं तो मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, जॉब भी मिल गई। उसके बाद था कि मेरी शादी हो जाए तो मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा। अब आप में से कुछ लोग हंस रहे हैं, यार गलत बात है, ऐसे किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। देखो जो गलत फहमी है ना वो किसी को भी हो सकती है। तो उनकी शादी भी हो गई, अगर मैं यहीं पर बैठ करके
आप लोगों की जितनी भी सक्सेस है उन सब की लिस्ट बनाने लग जाऊं तो अभी शाम हो जाएगी यहीं के किसी एक पर्सन की भी। आप लोग इतने सक्सेसफुल हैं, बस प्रॉब्लम क्या है कि आप लोग मानते नहीं हैं। मान जाए तो काम हो गया। सिर्फ एक इंसान है जो आपकी मदद कर सकता है, आपको सक्सेसफुल बना सकता है। कोई बताएगा कौन? आप खुद। एग्जैक्टली। तो वही काम आज होने वाला है। मैं क्या करने वाला हूं, आपको सिर्फ याद दिलाने वाला हूं कि उन 90% चीजों में जिनमें आप सक्सेसफुल हो गए तब आपने ऐसा क्या किया था। तो 10% चीजें जो अटक रही हैं, जिसमें आप होना चाहते हो, जैसे ही आपको याद आएगा तो उन्हीं फंडों को वहां अप्लाई कर दो और आप सक्सेसफुल हो जाओगे किसी भी चीज में। बस इतना आसान है। अब एक छोटी सी प्रॉब्लम है इस सेमिनार को आगे बढ़ाने से पहले, वो मैं आपको बोलूंगा नहीं, आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकली, फिर आप बताएंगे मुझे वो प्रॉब्लम क्या है। देखिए एक बॉक्स है, मैं चाहता हूं कि इसके अंदर कुछ ये बॉल्स जो पड़ी हुई हैं, ये सारी बॉल्स इसके अंदर चली जाए। अब मैं कोशिश करके देखता हूं क्या होता है। अरे अरे सॉरी, मैंने देखा नहीं था। समझ आ गई क्या थी वो प्रॉब्लम? ये जो बॉक्स है ना, इमेजिन करो कि ये यहाँ पे बैठे हुए जितने भी लोग हैं आप सबके माइंड हैं, जिसके ऊपर एक ढक्कन है। वो ढक्कन है आपके बिलीव्स का, मतलब जो आप बचपन से आज तक मानते आए हैं, सुनते आए हैं। तो जैसे ही मैं कुछ ऐसा बोलूँगा जो आपके उन बिलीव से अलग होगा, सपोज आप कुछ और मानते हैं, मैं कुछ और बोलूँगा, आप मन ही मन सोच रहे हो पागल है, बोलने दो, अंदर कुछ जाएगा ही नहीं। तो क्या करना है, पहले अपने माइंड को ओपन करना है ताकि अंदर कुछ जा सके। तो मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगले 1.5 घंटे के लिए, ज़्यादा नहीं, 1.5 घंटे के लिए अपने माइंड को आप ओपन कर दीजिए, अंदर एक बार जाने दीजिए जो मैं बोल रहा हूँ। उसके बाद बैठ के आराम से एनालाइज करना कि क्या काम का है क्या नहीं है। अगर कोई चीज़ आपको काम की ना लगे तो उसको बाहर ले आकर के डस्टबिन में डाल दो, कोई चीज़ अच्छी लगे तो उसको रख लो। एटलीस्ट अगले 1.5 घंटे के लिए समझने की कोशिश करो मैं क्या बोलने वाला हूँ, तभी कुछ होगा, तभी कुछ मज़ा आएगा। तो क्या मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि यहाँ बैठे हुए जितने भी लोग हैं आपका जो माइंड है वो ओपन हो गया है? यस और नो? यस और नो? अगर ऐसे बोल करके ही माइंड ओपन होता तो बात ही क्या थी। मैं आपसे एक सिंपल सी चीज पूछता हूँ कि जो माइंड है वो बाय डिफॉल्ट ओपन किसका होता है, जो कुछ भी सीखने के लिए तैयार रहते हैं हमेशा? बच्चों का। एग्जैक्टली, जिसने भी बोला बच्चों का, लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर देम। देखिए इनके लिए तालियां क्यों बज रही है मैं आपको बता देता हूं, इसलिए नहीं कि इन्होंने कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी बोला, इसलिए कि इन्होंने एटलीस्ट कुछ बोला, मैंने पूछा और इन्होंने बोला। ये बहुत बड़ी क्वालिटी है सक्सेसफुल होने की, कि सिर्फ सोचना नहीं है, कुछ करना भी है। तो एक काम करते हैं यार, एक सिंपल सा आइडिया है कि अगले 1.5 घंटे के लिए हम सब बच्चे बन जाते हैं। मैं बच्चा, आप भी मेरे साथ में बच्चे, सब लोग तैयार हैं बच्चे बनने के लिए? यस और नो? यस और नो? अब आपने बोल दिया, अब आप पीछे नहीं हट सकते, अब देखो कितनी अजीब अजीब सी चीज़ें होने वाली है यहाँ पर। तो हम एक पहली गेम खेलेंगे जिसका नाम है, ध्यान से देखना, बहुत मज़ेदार गेम है, चिड़िया उड़, तोता उड़, मैना उड़, भैंस उड़, पोटी उड़, सुसु उड़। अब यार देखो कुछ लोग हंस रहे हैं, जो हंस रहे हैं मैं कहता हूँ वो बच्चे बन चुके हैं, जो नहीं हंस रहे उनको बच्चे बनना है, बच्चों को ऐसी चीज़ों में ही मज़ा आता है, बच्चे ऐसी बातें ही तो करते हैं, बड़ी बड़ी बातें नहीं करते। अगर कोई सोच के आए यहाँ कोई बहुत बड़े लेवल का लेक्चर होने वाला है तो भाई साहब आप थोड़ी सी गलत जगह आ गए। मैं अगर चाहूँ तो इस सेमिनार को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना सकता हूँ कि पूरा सुनने के बाद में आप कहोगे यार समझ नहीं आया, कुछ अच्छा ही होगा ना। लेकिन नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ वही बता रहा हूँ जो मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है। मेरी ज़िंदगी आसान है तो मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आसान क्यों है, कैसे है, और आपको अपनी ज़िंदगी को आसान कैसे बनाना है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं। सो सिंपल सा मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसके जवाब में अगर आपको लगता है कि वो बात सच है तो हाथ ऊपर, लगता है झूठ है तो हाथ नीचे, और अगर डाउट है तो यहाँ तक ला करके अटका देना। ठीक है, सिंपल है। पहला क्वेश्चन, यहाँ कितने लोग मेल हैं? कुछ का तो हाथ अभी तक ऊपर नहीं आया। क्या हो रहा है भाई ये?
मैंने सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, भाई कितने लोग मेल हैं? उनका ध्यान मेरी तरफ है ही नहीं, उनका मुंह खुल गया और अपने साथ वाले को देख रहे हैं। उनका ध्यान उसकी मूछों की तरफ है कि यार मूछें तो इसकी भी है, मेल तो ये भी लगता है, इसका हाथ यहाँ तक क्यों जा रहा है? लगता है यहीं तक जाना होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल, कोई घुमा फिरा के नहीं, कि आप यहाँ किसके लिए आए हो? अपने साथ वाले के लिए, मेरे लिए, या अपने लिए? किसके लिए? तो मेरे भाइयों और बहनों, अगर मेरी वाइफ के अलावा तो जो भी करना है अपने लिए करना है, मेरे लिए नहीं, अपने साथ वाले के लिए नहीं। साथ वाले की टेंशन छोड़ दो, साथ वाला गया तेल लेने, उसको छोड़ो कि वो क्या सोचेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम यही सोचते रहते हैं कि वो क्या सोचेगा, और वो भी यही सोच रहा होता है कि वो क्या सोचेगा। Exactly. दोबारा करेंगे, अब की बार थोड़ा तेज तेज, जल्दी जल्दी, सिंपल सा क्वेश्चन है, रेडी? कितने लोग फीमेल हैं? वहां देर इज अ जेंटलमैन सिटिंग ओवर देयर, मैं पूछा कितने लोग फीमेल हैं, उनका हाथ पहले ऐसे जा रहा था फिर ऐसे कर दिया। मेरे से गलती कैसे हो सकती है, मेरे को कोई डाउट नहीं है, मैं भी फीमेल थोड़ी, बच्चे नहीं बने ना अभी तक, अभी भी अंदर से वो है। दोबारा करेंगे बहुत तेज, जल्दी 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 जल्दी, कितने लोग मेल हैं? फीमेल, मेल, फीमेल, 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 मेल, 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 फीमेल, मेल, फीमेल, मेल, फीमेल। अब कुछ मजा आ रहा है, अब कुछ हाथ खुल रहे हैं, हाथ पैर खुल रहे हैं हमारे भी सबके, यही तो करना है। तो कुछ अच्छा लगे तो हंसो, अपने ले, मेरे ले नहीं। प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारे लोग जब घर में होते हैं या बच्चों के साथ खेल रहे होते हैं तब तो ठीक होते हैं, यहाँ आते ही पता नहीं क्या हो जाता है, सेमिनार्स में, पब्लिक प्लेस में, और बाकी और बहुत सारे लोग हैं जो घर पर भी नहीं हंसते, उनकी हंसी जिंदगी के थपेड़े खा खा कर अटक जाती है, मतलब रुक जाती है। तो ऐसी हंसी का मैंने एक नाम दिया है, वो है कॉन्स्टिपेशन स्माइल, मतलब कि रुकी हुई हंसी, हंसने का मन कर रहा है लेकिन मुंह नहीं खोलना चाहते, भाई बाहर कैसे आएगी, रुकी हुई है, बाहर आने दो, आने दो, निकलना चाह रही है, आने दो हंसी को, बाहर आने दो, अंदर दबा के कोई कुछ नहीं मिलेगा, नुकसान नहीं होगा। तो जो मन करे वो करो, खुल के करो, क्योंकि ये दिन दोबारा नहीं आने वाला, ये दिन दोबारा नहीं आने वाला। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, आपको एक कहानी सुनाऊंगा, एक ऐसी कहानी जिसका मेरी जिंदगी पे बहुत बड़ा असर है। आज मैं जो कुछ भी हूं उसमें उस कहानी का बहुत बड़ा हाथ है, और आगे जब मैं आपको अपनी लाइफ की स्टोरी बताऊंगा कि मैं कहां से आया हूं, कौन हूं, क्या किया, कैसे किया, क्या प्रॉब्लम्स आई, तब आपको लगेगा कि हाँ, ये इस कहानी का उसमें बहुत बड़ा हाथ है। ये कहानी है अकबर और बीरबल की। एक बार अकबर, पहले हंस रहे हैं कुछ लोग, यही तो मैंने कहा था यार, जबरदस्ती नहीं हंसना। अकबर और बीरबल की कहानी। एक बार अकबर और बीरबल शिकार पे जा रहे होते हैं, और अकबर का अंगूठा कट जाता है तलवार निकालते टाइम, वो बौखला जाता है, चीखने चिल्लाने लग जाता है, कहते हैं सिपाहियों जल्दी जाओ, जा करके वैद्य को बुला करके लाओ, देखो मेरा अंगूठा कट गया, देखो मैं अपंग हो गया, देखो मेरी क्या हालत हो गई। उधर से बीरबल आता है हंसता हुआ, कहता है महाराज रिलैक्स, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कहता है बीरबल तू क्या पागल हो गया है, क्या बोल रहा है, मैं तुझे अपना समझता था और कैसी बेकार की बात कर रहा है। एक काम करो सिपाही हो, वैद्य को छोड़ो, पहले इस बीरबल को ले जाओ, ले जा करके उल्टा लटका दो इसको पूरी रात के लिए, और उसको कोड़े मारते रहना, और सुबह सुबह फांसी दे देना। ले जाते हैं बीरबल को। उधर से अकबर अकेला शिकार पर चला जाता है। अब वो शिकार पर जाता है, जाता है उसको कुछ आदिवासी पकड़ के ले जाते हैं और उल्टा टांग देते हैं। अब वहाँ आदिवासियों का डांस चल रहा है, हु हा हु हा। अब ये मत सोचो मैं डांस करके दिखाने वाला हूँ। इतने में एक आदिवासी की नज़र पड़ती है उसके अंगूठे की तरफ, कहते कि अरे यार ये तो अशुद्ध है, इसकी हम बलि नहीं चढ़ा सकते, छोड़ दो इसको, ये अशुद्ध है। अकबर को छोड़ दिया जाता है। अब अकबर रो रहा है, सुबह का टाइम हो चुका है, उसको लगता है कि अब तक तो बीरबल को फांसी लग गई होगी, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, बीरबल बीरबल बीरबल, भागता हुआ आ रहा है।
आके देखता है कि बीरबल को बस फांसी लगने ही वाली है, रस्सी लग चुकी है। जा करके बीरबल के पैर पकड़ लेता है, कहता है बीरबल मुझे माफ़ कर दो, तुम ठीक कहते थे, जो होता है अच्छे के लिए होता है, देखो आज तुम्हारी वजह से मैं जिंदा हूँ और मुझे देखो कितना घटिया इंसान हूँ। और मुझे देखो मैं कितना घटिया इंसान हूँ और मैंने तुम्हारा क्या हाल बना दिया। तो बीरबल टूटी फूटी हालत में बोलता है, कहता है नहीं महाराज, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो अकबर को अभी ख़त्म नहीं हुई, अकबर को एकदम चौंक जाता है, कहता है बीरबल तू क्या पागल है क्या, क्या बोल रहा है जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसमें क्या अच्छा है। कहता है महाराज इसमें यह अच्छा है कि अगर मैं आपके साथ गया होता तो वो लोग मेरी बलि चढ़ा देते। अब आप में से बहुत सारे लोग स्माइल, कॉन्स्टिपेशन स्माइल से लूज मोशन स्माइल बन रही है, बह रही है, बहने दो, निकलने दो, जाने दो जहां जा रही है। इस कहानी से क्या समझ आता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है? तो यार कितने लोग हैं जो लक में विश्वास रखते हैं, कितने लोग हैं जो मानते हैं कि किस्मत का बहुत बड़ा हाथ है आगे बढ़ने में, लाइफ में सक्सेसफुल होने में? बहुत सारे लोग, मैं भी मानता हूँ लक को, मैं भी मानता हूँ किस्मत को, लेकिन मैं मानता हूँ सिर्फ गुड लक को। मैं मानता हूँ कि बैड लक नाम की इस दुनिया में कोई चीज़ नहीं होती, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए होता है। नहीं, इसका मतलब हमारे साथ कुछ बुरा भी हो रहा है तो बुरा लग रहा है, बुरा है नहीं, आज बुरा लग रहा है, आगने वाले टाइम में समझ आता है कि वो भी अच्छे के लिए हुआ है। क्या आप तैयार हैं फाइनली कुछ ऐसा सुनने के लिए, कुछ ऐसा देखने के लिए जो हो सकता है आपकी सोच से परे हो? यस नो? अब देखिए ऐसा क्या है जो हो सकता है आपकी सोच से परे हो? यह है जो मेरे हाथ में वो चीज है। सबको दिख रहा है क्या है मेरे हाथ में? नहीं दिख रहा? ये कैसे हो सकता है यार, ये कैसे हो सकता है? मेरे हाथ में 50-50 फुट बड़े इतने सारे पेड़ हैं जिन पे हजारों पत्ते लगे हुए हैं, पता नहीं कितने सारे फल लगे हुए हैं, पर आपको दिख नहीं रहे। कुछ लोग इसको सीड भी बोल सकते हैं अगर चाहें तो, बीज भी बोल सकते हैं। क्या मैंने कुछ गलत कहा? वो बड़े से बड़े पेड़ क्या इस बीज में नहीं छुपे होते? छुपा है, दिख नहीं रहा है, लेकिन इस बीज को पेड़ बनने के लिए क्या चाहिए? पानी। अगर मैं ले आके इनको पानी में डाल दूंगा तो क्या ये पेड़ बन जाएंगे? लैंड, और सिर्फ लैंड नहीं, फर्टाइल लैंड। अगर बंजर जमीन पर जाके ऐसे हजार बीज भी बो दिए जाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला, लेकिन अगर फर्टाइल लैंड पे ये सारे बीज जाएंगे तो ये सारे के सारे पेड़ हैं। सिंपल। इसी तरह से सिमिलरली यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं, मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूँ, आप ऑलरेडी सक्सेसफुल हो बहुत सारी चीज़ों में, और कुछ चीज़ों में जो आप होना चाहते हो उसके बीज आप सबके अंदर हैं। वो सक्सेस का पेड़ आपके अंदर ही छुपा हुआ है, उसको चाहिए तो क्या चाहिए? फर्टाइल लैंड। एग्जैक्टली। अब वो फर्टाइल लैंड क्या है, कोई बताएगा क्या है ये फर्टाइल लैंड? एनवायरमेंट, थॉट्स। यहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत अलग अलग चीजें बोल रहे हैं, बट ज्यादातर लोग मैं सुन रहा हूं वो बोल रहे हैं थिंकिंग। ये थिंकिंग नहीं है, ये पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है। जो बातें करते हैं ना पॉजिटिव थिंकिंग थिंकिंग, अगर हमारी पॉजिटिव थिंकिंग होगी तो हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। एक दिन में हम सबके दिमाग में साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है 60,000 से ज़्यादा थॉट्स आते हैं। तो कोई भी आदमी आ जाए, कितना भी बड़ा फन्ने गाँव, कितना भी बड़ा फंटूश हो, वो अपने उन थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर सकता। तो इससे इतना फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोचते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता आप क्या बोलते हैं, क्या सुनते हैं, इससे फर्क पड़ता है कि आप क्या मानते हैं, क्योंकि जो आप मान लेते हैं आज नहीं तो कल वही आप बन जाते हैं। और अगर कोई मान ले कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता तो क्या वो कुछ कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। और अगर कोई मान ले कि मैं कर सकता हूं तो दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं पाएगी। यस और नो? सो सिंपल। तो अब मैं क्या कह रहा हूँ, एक बहुत बड़ी बात आप लोगों को बोलने वाला हूँ। हो सकता है कुछ लोगों को बुरी भी लगेगी कि यहाँ बैठे हुए जितने भी लोग हैं उनमें से 90% से ज़्यादा लोगों की लैंड ही इतनी फर्टाइल नहीं है कि वहाँ वो सक्सेस के बीज बोए जा सकें, वो लैंड ही इनफर्टाइल है।
अजीब लग रहा है ना सुनने में, चलो मैं आप लोगों का नहीं बोलता, अपना बताता हूँ। मैं जब 18 साल की एज तक पहुँचा, बचपन में मैं मानता था कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मगर बड़े होते 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 एक ऐसी स्टेज आ गई लाइफ की जब दिमाग में बैठ गया कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मतलब कि मेरी लैंड इनफर्टाइल हो गई थी। तो ऐसा क्यों है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? वो शुरुआत हुई थी बचपन से। तो एक ऐसी वीडियो है जो आप देखेंगे, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि वो लैंड इनफर्टाइल क्यों हुई और उसको दोबारा से फर्टाइल कैसे करना है। बचपन से लेकर आज तक पता नहीं कितनी बार आपने ये सुना होगा कि आप क्या नहीं कर सकते, जैसे खुले आसमान में बादलों को चीरते हुए उड़ने का सपना, लेकिन जैसे ही नींद टूटती थी वो सपना भी टूट जाता था, क्योंकि आपको समझाया जाता था कि आप चाहे कुछ भी कर लें लेकिन आप नहीं उड़ सकते। आपने भी मेरी तरह पता नहीं कितनी बार ये सुना होगा कि जिंदगी जीना आसान नहीं, बहुत ही मुश्किल है, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। क्या हो अगर मैं आपसे ये कहूं कि वो सब लोग जिन्होंने भी आपसे ये कहा, वो जाने या अनजाने में आपसे झूठ बोल रहे थे। और अगर इस पूरी दुनिया में कोई भी कामयाब हुआ है तो अपने अंदर के उस छोटे से बच्चे को जिंदा रखकर, ना कि मारकर। वो बच्चा जो सपने देखने से नहीं डरता, जो गिर गिर के चलना सीखता है, जिसको पूरा विश्वास है कि वो कुछ भी कर सकता है, जो सिर्फ सपने में नहीं असलियत में भी खुले आसमान में उड़ना चाहता है। तो क्या आप तैयार हैं फिर से बच्चे बनने के लिए? क्योंकि कामयाब होना कोई बड़ों का खेल नहीं है, ये बच्चों का खेल है। बड़ी अजीब सी बात हो रही है ना इस वीडियो में, जो हम बाहर सुनते हैं स्टेडियम के वो बहुत कुछ अलग है। वहाँ जो सक्सेसफुल हो जाता है, जो नहीं हो पाता, दोनों एक ही बात कर रहे होते हैं कि सक्सेसफुल होना तो बहुत मुश्किल है, पता नहीं कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। मतलब एक हवा है सक्सेस अपने आप में कि वो सक्सेसफुल हो गया तो पता नहीं उसने क्या क्या किया है। और मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, ये सक्सेसफुल होना बच्चों का खेल है। क्या हो अगर अगली थोड़ी सी देर के अंदर अंदर सच में आप सब लोग इस चीज़ को मान लो, मान लो, मैं ये नहीं कह रहा कि जान लो, जान तो लिया आपने, मान लो कि सक्सेसफुल होना सच में बच्चों का खेल है, क्या होगा? सक्सेसफुल हो जाओगे, राइट? तो मैं आपको बताता हूं कि ऐसा क्या हुआ जिस वजह से मेरी लैंड इनफर्टाइल हुई, यानी कि मैं सक्सेसफुल होना तो चाहता था, कुछ करना चाहता था, लेकिन मानता क्या था कि मैं कुछ नहीं कर सकता। बचपन में सोचता था कि हवा में उड़ूंगा, जैसे जैसे बड़ा हुआ तो जमीन पर चलने से भी डर लगने लग गया था। एक ऐसी स्टेज आ गई थी लाइफ की जब लगता था कि शायद मैं कुछ कर ही नहीं सकता। उसकी वजह क्या थी, उसकी जड़ क्या थी? जड़ है कहीं ना कहीं हमारे बचपन के अंदर। यहाँ कितने लोग हैं जो मिडिल क्लास बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं? बहुत सारे लोग। मैं भी एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ। हम लोग एक छोटे से घर में रहते थे जहाँ पर सिर्फ दो कमरे होते थे, मतलब हमारे पास लिमिटेड पैसे होते थे, किराए का घर था। तो मेरे पड़ोस में एक कोई रहता था, मेरा फ्रेंड पुनीत नाम से, उसके पापा ने, उनके पास बहुत अच्छा पैसा होता था, उसके पापा ने उसको एक रेड कलर की साइकिल दिला दी, इम्पोर्टेड साइकिल। तो पहले जब हम जाते थे पार्क में खेलने के लिए, हम रेस लगाते थे, तो मैं हमेशा जीतता था। अब वो साइकिल पे होता था, मैं पैदल होता था, तो मैं हमेशा हार जाता था। तो मैंने ज़िद पकड़ ली, घर पे गया अपने पापा के पास में, जा करके बोल दिया, मैं कहा पापा मुझे ये वाली साइकिल चाहिए, हर हालत में चाहिए और कल ही चाहिए, मैं नहीं रुकूंगा, मैं नहीं मानने वाला। पापा ने कहा बेटे ऐसे नहीं होता, अभी 6 महीने बाद तेरा बर्थडे आ रहा है तो दिला देंगे तेरे को साइकिल। मैंने जिद पकड़ ली। अगले दिन पापा थके हुए ऑफिस से घर आए और मेरी मम्मी ने जा करके उनको बताया कि संदीप ने दोपहर को खाना नहीं खाया और ये बहुत गुस्से में है, इसने जिद पकड़ लिया कि इसको साइकिल चाहिए, आप दिला क्यों नहीं देते इसको साइकिल? मेरी मदर ने जा करके बोला मेरे फादर को। अब उनको गुस्सा आ गया जैसे ही मेरी मदर ने बात कही। वो कहते कि मैं कोई टाटा बिरला नहीं हूँ जो इसकी सारी फरमाइशें पूरी करता रहूँ, नहीं दिला सकता साइकिल, जाओ जो कर लो कर लो, चलो यहाँ से। तो वो तो बाहर आ गए पापा गुस्से में, मैं चुपचाप साइड से देख रहा था। मैंने कहा अंदर जाना भी ठीक नहीं है, बाहर ही खड़े रहो।
चुपचाप अगले दिन गया अपनी मम्मी के पास में, जा करके मैंने बोला, उस टाइम मेरी एज थी 5 से 6 साल के बीच में, मम्मी ये पापा क्या बोल रहे थे टाटा बिरला, ये टाटा बिरला क्या होता है? तो उधर मम्मी बोलती, बेटा ये टाटा बिरला होते हैं कुछ लोग होते हैं जिनके पास में बहुत सारे पैसे होते हैं। तो मैं एकदम खुश हो गया, मैंने कहा अच्छा तो हम टाटा बिरला क्यों नहीं है? उधर मम्मी थोड़ी सी इरिटेट हो गई, मम्मी कहती, बेटा नहीं है मुझे क्या पता, तू जाना जा जाके बाहर खेल, मेरा सर मत खा, तू चल यहाँ से। अब मैं चला गया, मैं गया अपना ऊपर, एक आंटी रहती थी उनसे जा करके मैंने पूछा, आंटी ये टाटा बिरला क्या होता है ये वो सारा समझा। अगले दिन आया, आ करके मैंने अपनी मम्मी को बोल दिया कि मम्मी मैं बड़ा होकर के टाटा बिरला बनूंगा। वहाँ तक तो ठीक था, हर माँ अपने बेटे को देख करके बहुत खुश होती है। तो मम्मी को जैसे ही मैंने बोला, अरे हाँ हाँ मेरा मेरा लाडला बच्चा, अरे बनियो टाटा बिरला, ज़रूर बनेगा, उन्होंने तो बोल दिया। लेकिन उन्होंने गलती क्या करी, अभी मेरी मम्मी यहीं बैठी है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जा करके फैमिली में सबको बता दिया, मेरे चाचा चाची को, मामी जी को, इनको उनको, कह रहे संदीप ना बड़ा होकर देखना टाटा बिरला बनेगा, मेरा बेटा टाटा बिरला बनेगा। अब क्या होता है, जैसे घर में शादी होती है, कोई फंक्शन होता है, वहाँ पे लोग ढोल बजा बजा करके नाच नाच के जब बोर हो जाते हैं ना, तो उनको बच्चे चाहिए होते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, होता है हर फैमिली में होता है, बच्चों को बुलाया जाता है, बेटे इधर आओ पोएम सुनाओ। अच्छा बेटा ये बताओ कि तुम्हें पापा ज़्यादा अच्छे लगते हैं या मम्मी, होता है, और सब इन्जॉय कर रहे होते हैं। हमारे घर में मुझे बुलाया जाता था तो मेरी मामी जी आवाज़ लगाती थी, अरे संदीप इधर आ। हाँ मामी जी क्या बोल रहे हो, और अपने साथ वालों को बोलते, अभी देखना बोलेगा देखो। अब सारे मेरी शक्ल देख रहे हैं, 10 लोग वहाँ पे खड़े हैं, कह रहे बेटे बता तू बड़े होके क्या बनेगा। मैं शर्मा रहा हूँ, मुँह नीचे करके शर्मा रहा हूँ। बोलना बेटा बोलना, शर्मा मत बोलना, टाटा बिरला। और बोल के वहां से भाग जाता था, बोला और भाग गया। फिर मेरे को बुलाती थी मामी जी और वो लोग जो भी होते थे, बुलाते थे और आके मेरे को प्यार करते थे, आए आए कितना प्यारा बच्चा है, हाँ बेटा बनियो तू, जरूर बनियो टाटा बिरला, अभी बड़ा होगा ना सब समझ आ जाएगा इसको, बच्चा है। देखो एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से अगर कोई बोल दे बच्चा टाटा बिरला बनूंगा तो क्या होगा, मजाक ही उड़ेगा ना, क्योंकि हम उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। और वही हुआ, सब मेरा मजाक उड़ाते थे, सब पूरी फैमिली में, उनको लगता था कि एक बच्चा है 6 साल का, यार इसको क्या समझ आना है कि मजाक उड़ रहा है नहीं उड़ रहा। गलत थे वो लोग, एक बच्चे को सब कुछ समझ आता है, उसको मजाक समझ नहीं आता लेकिन उसको ये समझ आ जाता है कि उसका मजाक उड़ रहा है। मुझे टाटा बिरला नहीं पता था क्या है, लेकिन मुझे ये पता था कि सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। और कौन है ये लोग, वो लोग जिन पे मैं भरोसा करता हूँ, वो लोग जो मेरे अपने हैं। तो मेरे को लगा कि अगर ये सब बोल रहे हैं तो सही होगा ना, मैं तो एक बच्चा हूँ मुझे क्या पता। अब जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, ऐसी और पता नहीं कितनी सारी चीज़ें हुई, कितनी सारी बातें हुई, तो 18 साल की एज तक पहुँचते मेरे दिमाग में क्या बैठ गया, कहीं से 10-15 हज़ार रुपये की नौकरी मिल जाए बहुत है। मुझे याद है जब मैं करीबन 18-19 साल का था तो मैं किसी के पास राय लेने गया था। हर फैमिली में कोई ना कोई ऐसा होता है जिनके पास सब जाते हैं राय लेने के लिए, आप सबकी भी फैमिली में कोई ना कोई होंगे ऐसे, होते हैं। कुछ लोग हंस रहे हैं, लगता है उनको मेरे जैसी राय मिली थी। तो मैं गया पूरी तैयारी के साथ, मैंने कहा यार इनके पास जा रहा हूँ भैया के पास में, अगर मैंने कुछ गड़बड़ कर दी तो फिर तो मेरे को घर वाले कोई एग्री नहीं करेंगे, कुछ नहीं करने देंगे, तो मैं पूरी तैयारी के साथ जाऊँगा। तो मैं पूरी तैयारी के साथ गया कि वो क्या पूछेंगे क्या नहीं पूछेंगे। उन्होंने 10 चीज़ें पूछी कि अच्छा ये जो तू बोल रहा है इसमें ये हो गया तो क्या होगा, ये हो गया तो क्या होगा, ये हो गया तो, मैं पूरी तैयारी के साथ गया था, मैंने कहा ये हो गया तो ये होगा, ये हो गया तो ये होगा, ये हो गया तो ये होगा। जब उनके सारे सवालों के मैंने जवाब दे दिए तो उन्होंने कहा बेटे ये ना बड़ा इम्प्रैक्टिकल सी चीज़ है जो तू बोल रहा है, ये ना हो नहीं सकता। मैंने कहा क्यों नहीं हो सकता, मैंने कहा बताओ तो सही, वजह तो बताओ क्यों नहीं हो सकता। तो थोड़ा इरिटेट हो गए क्योंकि वो उस पोजीशन पे थे कि एक बच्चा जो कुछ भी नहीं है वो आकर के उनको बोल रहा है कि क्यों नहीं हो सकता, तो उनकी ईगो हर्ट हुई। और उन्होंने मेरे को बोला बेटे अभी तुझे पता नहीं है, तू बच्चा है, ये ना कहना बहुत आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है। कितने लोगों ने डायलॉग सुना है, सबने सुना है, और पता नहीं कितनी बार सुना है। कभी सोचा है कि इस सिंपल से डायलॉग का क्या असर होता है हमारे माइंड के ऊपर या हमारी उस लैंड के ऊपर जिसकी मैंने बात करी। ये जो मुश्किल वर्ड है ना, ये भी एक बीज है। जैसे एक सक्सेस के बीज की मैंने बात करी थी, एक फेलियर का बीज है, क्योंकि किसी भी चीज में
आज आप बोलते रहोगे ये मुश्किल है मुश्किल है मुश्किल है, कुछ टाइम बाद आप क्या बोलने लग जाओगे? नामुमकिन है, हो ही नहीं सकता, मतलब दी एंड। तो ये जो मुश्किल वर्ड है ना, इसने क्या किया हुआ है, हम सब को पकड़ करके रखा हुआ है, एक रस्सी की तरह बांध करके रखा हुआ है। जैसे एक सर्कस में हाथी होता है ना, उसको एक रस्सी से बांध दिया जाता है जब वो छोटा सा होता है, तो वो हाथी का बच्चा जो होता है छोटा सा, वो क्या करता है, उस पतली सी रस्सी को तोड़ने की बहुत कोशिश करता है, दम लगाता है, बेचारा नहीं तोड़ पाता, उसमें इतनी ताकत नहीं होती, नहीं तोड़ पाता। तो उसके दिमाग में क्या बैठ जाता है कि मुश्किल है, मैं नहीं तोड़ पाऊंगा। आज वो हाथी बड़ा हो गया है, वो चाहे तो एक रस्सी को नहीं, उसमें इतनी ताकत है कि ऐसी हजार रस्सियों को तोड़ सके, लेकिन वो कोशिश ही नहीं कर रहा। अगर कोई धीरे से जाए और उस हाथी के कान में बोल दे कि अरे वो हाथी, तेरे में ताकत है, एक बार कोशिश करके तो देख, तू तोड़ सकता है, तो उस हाथी को कितनी देर लगेगी उस रस्सी को तोड़ने में? 1 साल 2 साल 10 साल? 1 सेकंड? 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। यही होता है, जितने भी बिलीव्स जो किसी झूठ के ऊपर बेस्ड हैं, उनको बनने में सदियां लगती हैं, टूटने में 1 सेकंड भी नहीं लगता। सेकंड, अब मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूं कि जो भी झूठे बिलीव्स होते हैं वो कैसे टूटते हैं। सदियों से लोग मानते आए थे कि हमारी ये जो धरती है वो फ्लैट है। हजारों सालों से लोग बोलते थे फ्लैट है। रातों रात किसी साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कुछ साल पहले कि भैया धरती गोल है। उसके बाद सब लोग क्या बोलने लग गए? गोल है। मतलब वो बिलीव बनने में सदियां लगी, टूटने में कितनी देर लगी? 1 सेकंड। जैसे ही सच सामने आया तो झूठ टूट गया। ऐसे ही ये सारे बिलीव जो भी हमारे बने हुए हैं वो सब झूठ के ऊपर बेस्ड हैं, सब झूठ है। सच सामने आएगा और सारे बिलीव टूटेंगे एक एक करके। और कई बार जब ये टूटते हैं ना, जब झूठ के सामने सच आता है, तो कुछ लोगों को तो झटका लगता है, बाकी ज़्यादातर दुनिया को बहुत मज़ा भी आता है। जैसे मेरे एक अंकल के साथ हुआ, उन्होंने अपना एक बिलीफ बनाया हुआ था, अपना खुद का, कि भाई मेरा बेटा मेरी पसंद की लड़की से ही शादी करेगा। बेटे ताली बजा रहे हैं लेकिन पिताजी नहीं, एनी हाउ। अब क्या हुआ, उन्होंने अपना ये बिलीफ बनाया हुआ था, लेकिन ये कोई सच तो नहीं है, दिस इज नॉट ट्रूथ। सच क्या है? देखो, सच में और झूठ में क्या फर्क है? सच है कि भाई आग में जाओगे तो जलोगे। आप चाहे हिंदुस्तानी हो, चाहे पाकिस्तानी हो, चाहे बांग्लादेशी हो, कोई भी हो, आप आग में जाओगे तो जलोगे, ये एक सच है। लेकिन ये सच नहीं है कि इस दुनिया का हर बेटा अपने पिताजी की मर्जी से ही शादी करता है, ये कोई सच नहीं है, सच नहीं है, बना लिया। अब क्या हुआ, उन्होंने पूरी प्लानिंग कर रखी थी कि अब ये बेटा जब इतने साल का होगा तो मैं ये करूँगा, फिर जाके एक अच्छी लड़की मिलेगी। तो उस प्लान में एक चीज़ और फिट हो रही थी कि इसको ना लंदन से MBA कराएंगे। जब लंदन से MBA कराएंगे तो शादी के लिए जो बायोडाटा बनेगा उसमें लिखा हुआ अच्छा लगेगा कि भाई लड़के ने लंदन से MBA किया हुआ। तो उस लड़के को लंदन भेजा गया MBA करने के लिए। अब वो लड़का वापस आया इंडिया, उसने शादी कर ली, वो भी लड़के के साथ। ऐसे टूटते हैं बिलीव्स, ऐसे। मैं अभी यहाँ पे सही गलत की बात नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ कि बिलीव्स कैसे टूटते हैं। ठीक इसी तरह से आपके वो सारे के सारे बिलीव्स जो आपको रोक रहे हैं आगे बढ़ने से, जिसकी वजह से आपकी वो लैंड इनफर्टाइल हुई है, अगले 20 मिनट के अंदर अंदर वो सारे बिलीव्स टूटने वाले हैं, सारे। क्योंकि आपके सामने सच आने वाला है, वो रस्सी टूटने वाली है, बस थोड़ी सी देर है। तो क्या आप सब तैयार हैं अपनी लैंड को फर्टाइल करने के लिए? यस नो? यहाँ कितने लोग हैं जो जॉब करते हैं? ओके, इसमें से जॉब इंटरव्यू देना कितने लोगों को बहुत मुश्किल लगता है? मतलब जॉब इंटरव्यू के लिए जाना डर लगता है सोच करके? ओके, बहुत सारे लोग।
और कितने लोग हैं जिनको जॉब इंटरव्यू देना बहुत आसान लगता है? इसके लिए भी बहुत सारे लोग, क्या हो रहा है भाई, कुछ कुछ गड़बड़ है यार। डांस कितने लोगों को करना बहुत मुश्किल लगता है? मुश्किल लगता है। कितने लोगों को आसान लगता है? इसमें से जिन लोगों ने हाथ अपने ऊपर करे हुए हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो अभी यहाँ पे उनमें से मेरे पास स्टेज पे आकर के डांस कर सकते हैं? कितने लोग हैं? मैंने क्यों पूछा, आपको सिर्फ एक कॉन्ट्रास्ट दिखा रहा हूँ। कुछ लोगों के लिए डांस करना अकेले में भी मुश्किल है, और कुछ लोग यहाँ हजारों लोगों के सामने डांस करने से भी नहीं डर रहे, उनके लिए इतना आसान है। कॉन्ट्रास्ट देखिए, कॉन्ट्रास्ट देखिए। इसी तरह से बिजनेस करना कितने लोगों को बहुत मुश्किल लगता है? बिजनेस नाम से ही लगता है कि यार बहुत मुश्किल है, मुश्किल लगता है। कितने लोगों को आसान लगता है? आसान लगता है। अब यहाँ ना एक बहुत मज़ेदार सी चीज़ है जो इंडिया में सब लोग बोलते हैं, जो मुझे समझ नहीं आती, कि भाई आज के टाइम में बिजनेस करना बहुत मुश्किल है। मुझे ये नहीं समझ आता कि आज का टाइम कब शुरू हुआ था और कब खत्म हुआ। भाई कब तक चलेगा ये आज का टाइम, कब तक? तो यहाँ एक बहुत सिंपल सी चीज़ सामने आ रही है, बहुत सिंपल सी। कई बार क्या होता है, हम अपनी लाइफ में इतना उलझ जाते हैं कि ऐसी छोटी छोटी चीज़ें सोचने के लिए ना टाइम नहीं होता। हम वेट करते रहते हैं कि कहीं से कोई बंदा आएगा, आकर के हमको कोई बहुत बड़ा सीक्रेट बता देगा, या आसमान से हमारे सर पे बिजली गिरेगी और हमको वो आइडिया आएगा और हम रातों रात सक्सेसफुल हो जाएंगे, और हम वो आइडिया ढूंढते रहते हैं। जबकि सक्सेस का जो सीक्रेट है वो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों में छुपा है, बड़ी चीज़ों में नहीं। छोटी चीज़ें अगर हमको समझ आ गई तो बड़ी भी आ जाएंगी। देखो क्या है वो छोटी सी चीज़ जो यहाँ सामने आ रही है, कि चाहे वो जॉब इंटरव्यू हो, चाहे वो डांस हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो कुछ भी हो पूरी दुनिया में, वो सिर्फ मुश्किल लगता है। असलियत में ना तो वो मुश्किल होता है ना आसान होता है। कुछ लोग जो मानते हैं कि उनके लिए मुश्किल है, तो आज नहीं तो कल वो उनके लिए मुश्किल होता ही चला जाता है, होता ही चला जाता है। और जो मान लेते हैं कि उनके लिए आसान है, तो उनके लिए वो आसान होता ही चला जाता है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको आसान लगती है, वो तो आपके लिए आसान है, उसमें तो कुछ करना ही नहीं है, वो तो आपके लिए आसान है। कुछ चीज़ें हैं जो आपको मुश्किल लगती है, अगर किसी तरीके से वो जो चीज़ें आपको मुश्किल लगती हैं वो भी आप मान लो कि वो भी आसान है, तो क्या होगा? आसान हो जाएगा, वो सच में आसान हो जाएगा। मतलब कि कामयाब होना सच में बच्चों का खेल हो जाएगा, राइट? अब इसकी जड़ तक जाते हैं, अंदर जाते हैं और देखते हैं कि ये एक्चुअल में हो क्या रहा है, कि जो बिलीव्स बन रहे हैं ये बन कहाँ से रहे हैं, ये जो गलत बिलीव्स हमारे बन रहे हैं ये बने कहाँ से, जब तक हमको समझ नहीं आएगा उसको तोड़ेंगे कैसे। आप लोगों में से कितने लोगों ने सुना है, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो? सबने सुना है। मैं ये मानता हूँ कि अगर आपको कामयाब होना है तो आपको ये नहीं करना, इससे कुछ अलग करना होगा। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू गांधी जी, मैं उनसे एग्री नहीं करता। क्यों, इतनी बड़ी बात मैं बोल रहा हूं यहां पर कि मैं उनसे एग्री नहीं करता, क्यों नहीं करता एग्री? आप लोग कुछ सेकंड्स के लिए अपनी आंखें बंद करेंगे, आंखें ये जो नाक के थोड़ा सा ऊपर होती है, ठीक है? अब जो मैं कहूंगा ना वही करना है, वही करना है। डोंट थिंक अबाउट योर मदर, प्लीज अपनी मम्मी के बारे में मत सोचना। खबरदार अगर यहां किसी ने भी अपनी माता जी के बारे में सोचा, और अपनी माँ की जो फोटोग्राफ है ना वो बिल्कुल आंखों के सामने नहीं आनी चाहिए। क्या हो रहा था भाई? कितने लोग अपने फादर के बारे में सोच रहे थे? मैं कह रहा था मत सोचना, मत सोचना, फिर भी आप वही सोच रहे थे। देखो यहां पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज सामने आ रही है कि हमारा माइंड कैसे काम करता है। हमारा माइंड
वर्ड्स में नहीं सोच सकता, वो सिर्फ इमेजेस में सोचता है, पिक्चर्स में सोचता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोल रहा हूं टेररिस्ट, क्या आया माइंड में, कुछ इमेज आई? कसाब, ओसामा बिन लादेन, कोई वाइफ तो नहीं बोल रहा ना भाई, बहुत पिटाई होगी घर जाके। ऐसी ऐसी इमेजेस आती है माइंड में। मदर टेरेसा, क्या आया माइंड में? अच्छी सी इमेज आई, पीस, राइट? जुप्ता, कुछ आया किसी के माइंड में? नहीं। जेड एक्स वाई, कुछ आया किसी के माइंड में? जेड एक्स वाई, कुछ आया किसी के माइंड में? नहीं आया। मतलब कि हमारा जो माइंड है वो अल्फाबेट्स में नहीं सोच सकता, वर्ड्स में नहीं सोच सकता, वो सिर्फ और सिर्फ पिक्चर्स में सोचता है, पिक्चर्स में। यानी कि सिर्फ बोलने से या सोचने से कुछ नहीं होता कि आसान है मुश्किल है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर जो हम करना चाहते हैं उसकी इमेज हमारे माइंड में अच्छी बनी हुई है तो वो हमें आसान लगता है काम, अगर बुरी बनी हुई है तो वो मुश्किल लगता है। अब मैं आपको अपनी लाइफ का एक बहुत मज़ेदार सा एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब मैं बच्चा था तब मेरे को ये बातें नहीं पता थी और उसकी वजह से मेरी काफ़ी एम्बेरसिंग सिचुएशंस क्रिएट हो जाती थी मेरे लिए। मैं जब छोटा था तो अपनी छोटी बहन को मारने में मुझे बहुत मज़ा आता था। वो भी आज यहाँ पर हैं, मेरी बहन भी यहाँ पर है, तो मेरे को बड़ा मज़ा आता था उसको मारने में, खूब पिटाई करता था। और जब भी उसको मारता था तो जा करके मेरे पापा को बढ़ा चढ़ा के बता देती थी, मतलब मारा मैंने एक जा करके दस बताती थी। अरे मारा, यहाँ भी मारा। मैंने कहा यहाँ कब मारा तेरे, झूठ बोल रही है, नहीं मारा। उधर से पापा आते थे ऑफिस से थके हुए गुस्से में, आ करके मेरी क्लास शुरू, डेली का था ये, रोज़ का था, आ करके तू बेवकूफ़ है क्या, तेरे दिमाग में गोबर भरा हुआ है क्या, तेरे को समझ नहीं आता, तेरे को कितनी बार समझाया है कि नहीं मारते छोटी बहन को, नहीं मारते, अरे लात नहीं मारते, लक्ष्मी का रूप होती है। लेकिन मैं बाज नहीं आता था उस टाइम, जब पापा डांट रहे होते थे नीचे मुंह करके, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं मारूंगा, कल अगले दिन फिर मारता था। तो जब तक पापा डांट रहे होते थे तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम तब शुरू होती थी जब पीछे से मम्मी आ जाती थी। मम्मी आती थी, जब मम्मी मेरे को थोड़ा ज़्यादा पैम्पर करती थी तो मम्मी आ करके पापा को गुस्सा देख के थोड़ा सा डर जाती थी, तो कहती थी पापा को आ करके देख करके, तब तक पापा मेरे को डांट रहे होते थे, अरे गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो, बच्चा है छोड़ दो, गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो। जैसे ही मम्मी ये बोलना शुरू करती थी तो तब तक तो पापा मुझे डांट रहे होते थे, उसके बाद मेरी पिटाई होना शुरू हो जाती थी। मैं मन ही मन सोचता था कि मम्मी आप मुझे बचाने आए हो या पिटवाने आए हो, क्या कर रहे हो। मम्मी जितना कहती थी गुस्सा मत करो, गुस्सा ना करूँ इस पर मैं, थोड़ इसकी हरकत ही ऐसी है, थार ले आज के बाद मत करियो, तो मुझे समझ नहीं आता था। आज समझ आता है कि प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम ये थी कि हमारा माइंड वर्ड्स में नहीं सोचता, इमेजेस में सोचता है। जैसे ही मम्मी कहती थी आकर के गुस्सा मत करो तो क्या होता था, गुस्से की इमेज आती थी, गुस्सा मत, मत की कोई इमेज आई, कोई आई नहीं, करो, हाँ करो, इमेज आई तो वो बेचारी मेरे को बचाने आती थी और मुझे पिटवा के चली जाती थी। ऐसे ही अगर कहीं पे कोई लड़ाई हो रही हो, रेड लाइट पे आपने देखा होगा जब तक दो लोग लड़ रहे होते हैं, अबे मैं तेरा ये कर दूंगा, तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ, अबे तू नहीं जानता मैं कौन हूँ, अबे तू नहीं जानता, साइड में कोई एक आदमी आता है कहता है ओए मारना मत, मारना मत, मारना मत, मारियो मत, ईंट मत उठाना, ईंट नहीं, ईंट नहीं, ईट उठाड़ के झड़ झड़ता। तो मैं कहता हूँ बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, अगर ये नहीं करना तो क्या करना है, बहुत सिंपल है, इसकी जगह पे बोलना है अच्छा बोलो, अच्छा देखो और अच्छा सुनो। अब इसमें भी कोई नई बात नहीं है, सबको ये बात पता है,
जिसको हम पॉजिटिव थिंकिंग बोलते हैं, हर कोई यही बातें कर रहा है चारों तरफ, आप कहीं भी चले जाओ कि भैया पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो। कोई फ़ायदा होता है क्या पॉजिटिव थिंकिंग से? कुछ हद तक होता है, कुछ हद तक, क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग एलोपैथी की तरह है, आयुर्वेदा की तरह नहीं, टेम्प्ररी रिलीफ है। एलोपैथी क्या कहती है? आपको कोई प्रॉब्लम हुई, गोली खाओ, ठीक, गोली खाओ, ठीक, गोली खाओ, ठीक। आयुर्वेदा क्या कहती है? कि आप अपनी बॉडी को ठीक कर लो ताकि आपको गोली खाने की जरूरत ही ना पड़े। दैट इज द डिफरेंस। आप एक पॉजिटिव बुक पढ़ोगे, किसी अच्छी जगह पे जाओगे, कुछ देर तक असर रहेगा। मैं सच बता रहा हूँ, ये मेरा सेमिनार है और मैं ही आपको बात बोल रहा हूँ। इस सेमिनार का कुछ देर तक असर रहेगा, कुछ घंटों तक, कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक। उसके बाद में क्या होगा? बैक टू नॉर्मल लाइफ, वापस से वही। वजह क्या है? मैं आपको बता चुका हूँ कि कोई भी आदमी आ जाए, कितना भी बड़ा, वो अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि एक दिन में 60,000 से ज़्यादा थॉट्स आते हैं। अगर आप सच में पॉजिटिव थिंकिंग करना चाहते हो प्रैक्टिकली, तो आपको क्या करना होगा? या तो आप किसी पहाड़ पे चले जाओ, संन्यास ले लो, अखबार पढ़ना बंद, सीरियल्स देखना बंद, बातें करना बंद, सब कुछ बंद, वहाँ जा करके अपने थॉट्स को ही कंट्रोल करते रहो। ये पॉजिटिव है, हाँ बढ़िया बढ़िया, अरे नेगेटिव है, अरे नहीं नहीं नहीं, ये नेगेटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव है। तो मैं पॉजिटिव थिंकिंग में बिलीव तो करता हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। उसका अपना एक रोल है, लेकिन बहुत छोटा सा रोल, वो जड़ से ख़त्म नहीं कर सकता चीज़ों को। दूसरा सोल्यूशन क्या है कि डिक्शनरी में बहुत सारे नेगेटिव वर्ड्स हैं, उन वर्ड्स को उठा के या बाहर फेंक दो, मतलब वो वर्ड्स बोलने ही नहीं है। नहीं बोलोगे आप पॉजिटिव वर्ड्स बोलोगे तो फिर कुछ अच्छा होगा आपके साथ में। बट ये क्या दोनों चीज़ें प्रैक्टिकल हैं? प्रैक्टिकली कर सकते हैं? यहाँ पे कोई है ऐसा जो कहता है मैं अपने सारे थॉट्स को कंट्रोल कर सकता हूँ? एनीबडी? तो करना क्या है, सॉल्यूशन क्या है? सिंपल है। अगर मैं आपको ये कहूँ कि अपनी डिक्शनरी में से सारे नेगेटिव वर्ड्स हैं पढ़े रहने दो, उनको उनको कुछ नहीं छेड़ना, थॉट्स को नहीं छेड़ना, सिर्फ एक वर्ड को जो जड़ है सारी हमारी प्रॉब्लम्स की लाइफ में, सारे फेलियर्स की, उस वर्ड को उठा करके अपनी डिक्शनरी में से बाहर फेंकना है, इतना कर सकते हो? यस नो? अच्छा ये बताओ कि एक इंसान के लिए, चाहे वो हम हो, चाहे कोई अमेरिका में है, कनाडा में है, चाहे कहीं भी है दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी इंसान, उसके लिए सबसे बड़ी सक्सेस क्या है लाइफ में? सबसे बड़ी नेम, फेम, मनी, हैप्पीनेस, हेल्थ? एब्सोल्युटली, लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर हिम। हेल्थ से बड़ी तो कोई सक्सेस नहीं है ना। एक आदमी है, उसके पास में बहुत सारा नाम है, फेम है, पैसा है, लेकिन हेल्थ ही नहीं है, किसी काम का है, सब बेकार है, वो सक्सेस सब धरी की धरी रह जाएगी। हेल्थ से बड़ी कोई चीज नहीं है, ये हम सबको पता है, इसमें भी कोई नई बात नहीं है। तो यहां कितने लोग हैं जो जेन्युइनली बहुत हेल्दी रहना चाहते हैं? सब लोग हैं। उसमें से कितने लोगों को यह पता है कि हेल्दी रहने के लिए सबसे अच्छा है कि सुबह जल्दी उठ करके पार्क जाया जाए और जाकर के कुछ वॉकिंग करी जाए, योगा करा जाए? ठीक है, सबको पता है। इसमें से कितने लोग रेगुलर हैं? इतने कम, 1%, 2% लोग। देखिए प्रॉब्लम क्या है कि हम सबको ये सारी बातें पता हैं, लेकिन याद कब आता है हेल्थ के बारे में? सबसे ज्यादा याद कब आता है? जब बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, या हॉस्पिटल में अपने किसी रिश्तेदार से या किसी से फ्रेंड से मिलने जाते हैं, जब डॉक्टर आकर के बोलता है कि भाई साहब या तो अब आप कुछ कर लो या ऊपर वाला ही कुछ करेगा, कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ गया है, ऐसे ही होता है, तब एकदम से नींद खुलती है, झटका लगता है कि हाँ यार अब कुछ करना पड़ेगा। अब जिस दिन ऐसा आपको झटका लगा, आपने उस दिन माइंड मेकअप कर लिया कि यार कल सुबह से देख मैं 6 बजे जा रहा हूँ, सारी प्लानिंग कर ली 6 बजे की, ऑफिस से भी जल्दी आ गए कि यार जाना है, जाना है, कल जाना है, जाना है। रात के 10:30 बजे हुए हैं और आपको नींद आ रही है, सोने की कोशिश कर रहे हो, लेटे हुए हो, करवट ले रहे हो, आपको पता है कि रात को जल्दी सोना होगा तभी सुबह जल्दी उठ सकते हो। तब करवट लेते लेते हल्की हल्की सी कान के अंदर आवाज़ आई, बड़े अच्छे। एकदम से वो आया माइंड में, वो आवाज़ आई और हम उठ के चले गए, उठ गए, खड़े हो गए एकदम से, कहा चल यार कोई नहीं, आधा घंटे में क्या फ़र्क पड़ रहा है, जाके देख लेता हूँ। बैठ गए टीवी पे, अब बैठे हुए हैं मज़े से अपना, आराम से, मूड चेंज, माइंड में वो जो हेल्थ वेल्थ का था सब गायब, भूल गए। 11 बज गए, उसके बाद में फिर चैनल वैनल चेंज किया, अपना आराम से फ्रेश हुए, आ गए सोने के लिए, टाइम देखा 12 बज रहे हैं। अब जब आपने करवट ली और आपको नींद आने ही वाली है 12 बजे,
उस टाइम पे माइंड में क्या चल रहा है, जो थॉट चल रहे हैं कि यार रात के 12 बज गए, आज भी सुबह जल्दी उठना तो बहुत मुश्किल है, राइट जैसे ही आपने ये सोचा, माइंड क्या करता है, पेड़ की ब्रांचेस की तरह काम करता है। आप माइंड को एक सिग्नल दोगे, उसमें से 4 ब्रांचेस निकलेंगी, फिर 8, फिर 16, फिर 50। मतलब जैसे ही आपने माइंड को सिग्नल दिया कि सुबह उठना मेरे लिए मुश्किल है, तो माइंड 1000 वजह उठा करके आपके सामने रख देगा कि वो मुश्किल क्यों है। 1000 वजह जो सच नहीं होंगी, आपकी अपनी बनाई हुई होंगी, आपकी अपनी क्रिएट करी हुई होंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, माइंड में सबसे पहले चल रहा होगा कि यार देख, पहले भी इतनी बार कोशिश करी है, कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं, अब भी कुछ होने वाला तो है नहीं, ठीक है क्या फ़ायदा। दूसरा थॉट आएगा, पहले भी एक बार मैंने कोशिश करी थी सुबह 6 बजे उठने की, मैं तो उठ गया, आँख नहीं खुली, जा करके टक्कर हो गई, घुटने में अभी तक दर्द रहता है। अजीब अजीब से थॉट्स आएंगे, अजीब अजीब से, बहुत अजीब, कि भाई अगर मैं सुबह जल्दी उठ गया तो पूरे दिन ऑफिस में नींद आती रहेगी। और जब ऐसे थॉट्स आएंगे, अब आप क्या करोगे, 6 बजे की बजाय आपने 7 बजे का अलार्म कर दिया, आपने कहा चल 1 घंटे में कौन सा फर्क पड़ रहा है, कम कर लूंगा। अब आपको याद आ रहा है, क्योंकि आप बोल चुके हो मुश्किल है, तो माइंड आपके सामने रीजंस रख रहा है। आप कहोगे यार उस एक दिन एक आर्टिकल आया था अखबार में, वहां लिखा था कि 7 से 8 घंटे की नींद चाहिए होती है, तो फिर उसके अलावा कुछ के रीजंस तो बड़े अजीब होते हैं। जैसे मेरा एक दोस्त है, उसको मैंने कहा कि यार ऐसा कर, तू ना अब कल से मेरे साथ चल, पार्क चलते हैं और वहां जाकर के जॉगिंग करेंगे। कहते यार मैं सुबह नहीं जाऊंगा, रात को वॉक करनी हो तो बता दियो। मैं कहा क्यों, सुबह क्या प्रॉब्लम है? कहते सुबह जाता हूँ उस पार्क में ना, मेरे को उस आदमी की शक्ल दिखती है, वो मुझे पसंद नहीं है। हाँ भाई, मैं कहा ये कैसा रीज़न है? अब आ जाते हैं सोल्यूशन पे, ये थी प्रॉब्लम, सोल्यूशन क्या है? बहुत सिंपल, उस टाइम पे जब आपके माइंड में ये आए, जब आप लेट रहे हो, उस टाइम पे सिर्फ ये बोलना है कि रात को चाहे मैं कितना भी लेट हो जाऊं, सुबह उठना मेरे लिए आसान है, आसान है। अब बताऊं क्या होगा, सच बताऊं क्या होगा, जैसे आप बोलोगे ना आसान है, अंदर से आवाज आएगी अभी पागल है क्या, क्या बोल रहा है, कहां आसान है, आते तो कुछ और पड़ी हुई है ना। फिर आप दोबारा बोलोगे आसान है, फिर आप दोबारा बोलोगे आसान है, सुबह उठना मेरे लिए आसान है। जैसे ही आप 3-4 बार बोल दोगे ना, माइंड उठा करके 1000 वजह आपके सामने रख देगा कि वो आसान क्यों है, माइंड अलग डायरेक्शन में चला जाएगा। उस टाइम पे माइंड में कुछ और रीजंस आएंगे जो उससे पहले वाले से बिल्कुल अलग हो गए। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले मन में आएगा कि यार सुबह 6 बजे ही तो उठना है, कौन सा पहाड़ तोड़ना है, पहले भी कितनी बार मैंने ट्रेन पकड़ी है और ट्रेन पकड़ने के लिए सुबह 4 बजे उठा था मैं, 4 बजे, वो भी बिना अलार्म के, अलार्म बजने से 5 मिनट पहले अपने आप नींद खुल गई थी। अरे यार एक बार ट्रेन निकल गई तो दोबारा पकड़ लूंगा, हेल्थ निकल गई तो ये दोबारा बॉडी कहां से लाऊंगा। देख रहे हो फर्क क्या है पॉजिटिव थिंकिंग में और इसमें? पॉजिटिव थिंकिंग में कोई और बाहर से आपको पॉजिटिव करने की कोशिश कर रहा है और आपके अंदर के नेगेटिव थॉट्स उसको रोक रहे हैं। जैसे ही आप आसान है बोलते हो, आप खुद ही अपने आप को पॉजिटिव कर रहे हो, कोई बाहर से आकर के नहीं कर रहा, आपका माइंड ही आपको पॉजिटिव कर रहा है। अब ये आया आपके माइंड में। उसके अलावा दूसरी चीज आई, जैसे पहले आपको लग रहा था कि भाई ऑफिस में नींद आएगी, बिल्कुल सही है, उसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन अब नजरिया देखो कैसे बदलेगा। आपके माइंड में आएगा कोई बात नहीं, नींद आएगी तो क्या हो गया, 2-3 कॉफी फालतू पी लूंगा, उसके बाद आदत हो जाएगी। फाइनली जो अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, जो मेरे दोस्त की थी, हो सकता है आपकी भी होगी, कि भाई अगर मैं सुबह जाऊंगा तो वो पार्क में उसकी पड़ोसी की शक्ल दिखेगी जो मुझे पसंद नहीं है। तो जब आप बोलोगे ना आसान है, तो इस बार आपको पड़ोसी की शक्ल नहीं दिखेगी, पड़ोसन की दिखेगी। सिंपल है, यही तो करना है। अपनी लाइफ की छोटी से छोटी प्रॉब्लम्स, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स, उसमें जा करके इन 2 वर्ड्स को चिपका दो। अंदर से जिस दिन आवाज़ आने लग गई ना आसान है, उस दिन सब कुछ सच में आसान हो जाएगा। और यही मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सीक्रेट है, सबसे बड़ा।
मेरी लाइफ की एक ऐसी स्टेज थी जब जा करके मेरे दिमाग में बैठ गया था कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, किसी लायक नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। एक कॉल सेंटर में इंटरव्यू देने के लिए गया था, पता नहीं कितनी जगह धक्के खाए थे, क्या क्या किया था, वहाँ भी मुझे जॉब नहीं मिली। मतलब वो ऐसी स्टेज थी कि अगर कोई आकर के मुझे बोलता ना कि संदीप ये 6,000 रुपये लो और तुम्हें 12-12 घंटे काम करना है हमारे यहाँ पे और ये सामान उठा के जाना है, तो मैं तैयार था। इतनी मेजर प्रॉब्लम थी लाइफ की उस टाइम पे। ऐसा ही एक मोमेंट आया था मेरी लाइफ में जो अभी कुछ देर बाद आपकी लाइफ में आने वाला है, कुछ मिनट बाद, जब मैंने किसी को देखा जैसे आप मुझे अभी देख रहे हैं, ऐसे ही मैंने किसी को देखा जो देखने में बिल्कुल मेरे जैसा था, बिल्कुल मेरे जैसा। उसकी भी दो आंखें थी, एक नाक थी, दो कान थे। मैंने कहा यार ये तो देखने में बिल्कुल मेरे जैसा लग रहा है। और जब उसकी सारी बातें सुनी तो अंदर से एक आवाज़ आई, अंदर से, ठीक है बाहर से मुझे कोई नहीं बोल रहा था, अंदर से आई कि अगर ये कर सकता है ना तो मैं भी कर सकता हूँ, अगर इसके लिए आसान है तो मेरे लिए भी आसान है। फाइनली अब मोमेंट आ गया है डिसाइड करने का, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि अगर कुछ नहीं बदला ना तो कुछ नहीं बदलने वाला। आप लोग यहाँ आ तो गए, लेकिन अगर आपने अपने आप से आज कोई कमिटमेंट नहीं किया या अपने आप को बदलने की नहीं सोची तो यहाँ बाहर निकलने के बाद वही होगा जो आज तक होता आया है, कुछ अलग नहीं होने वाला। यहाँ पर टाइम पास हुआ, ख़त्म। तो क्या करना है? अपने आप से एक कमिटमेंट करना है, फैसला करना है कि मुझे अपने आप को बदलना है। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, दो। पहला, एक तरह के लोग होते हैं इस दुनिया में जो ना अपनी छोटी से छोटी प्रॉब्लम, छोटी से छोटी मुश्किलों को खुद ही बड़ा बनाते रहते हैं, बनाते रहते हैं और रोते रहते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में और इसमें कुछ गलत नहीं है, बस हमको ये समझना है कि हाँ अगर हम ऐसे हैं तो तभी हम अपने आप को बदल सकते हैं। अगर हम एक्सेप्ट ही ना करें, हम कहें नहीं मैं ऐसा नहीं हूं, तो आप ऐसे ही रहोगे जैसे आप हो। दूसरा ऑप्शन, ये था पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है, ऐसे लोग इस दुनिया में और ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं जो अपनी लाइफ की बड़ी से बड़ी मुश्किलों को आसान बना देते हैं, छोटी समझते हैं और हमेशा हंसते रहते हैं। तो क्या फैसला किया आपने? आज के बाद आप हंसते रहेंगे या रोते रहेंगे? अब वो मोमेंट आ गया जिसकी मैंने बात करी थी। अब मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूँ और दिल से पूछूंगा, और जिसके भी अंदर से आवाज़ आई ना तो समझ जाओ कि उसकी लैंड फर्टाइल हो गई, हो गई। कल तक जो था वो था, उसको जाने देते हैं। मगर क्या आज आप ये मानते हो कि आप अपने आने वाले कल को बदल सकते हो? यस और नो? यस और नो? यस और नो? लेट्स सेलिब्रेट, दिस इज अ वेरी बिग मोमेंट। और मैं ये सिर्फ बोल नहीं रहा, मैं लिख करके कोरे कागज पे साइन करके दे सकता हूं आप लोगों को अगर आप चाहो तो, कि जिंदगी बदलेगी नहीं। जिसने भी अभी दिल से बोला है ना यस, या जिसने भी ये फैसला किया है यस, उसकी जिंदगी बदल गई, बदल गई, बदल गई। लैंड फर्टाइल हो गई, हो गई। दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनकी मुश्किलें हो सकता है आपसे लाख गुना बड़ी है, लेकिन तब भी उनकी सक्सेस आपसे लाख गुना बड़ी है। मतलब मुश्किलों का और सक्सेसफुल होने का कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, सिर्फ मानने का है। जो चीज़ अभी अभी हमें समझ आई है, अब एक छोटा सा काम करना है। लैंड तो फर्टाइल हो गई, लेकिन आप सोचो कितनी भी उपजाऊ जमीन है, फर्टाइल लैंड है, अगर उसका ध्यान ना रखा जाए तो क्या होगा? वापस से बंजर हो जाएगी, वापस से इनफर्टाइल हो जाएगी। मतलब हमको क्या चाहिए? एक हल चाहिए जो हम उस पर चला सकें, हल चाहिए। वो हल क्या है? आसान है। एग्जैक्टली, इसकी पावर को अंडर एस्टिमेट मत करो, इसने मेरी जिंदगी बदली है। देखो करना क्या है, अपनी लाइफ में जो भी आप करना चाहते हो लेकिन आप मानते हो कि आप नहीं कर सकते, वहां जाकर के जोड़ दो कि वो आसान है
और फिर देखो क्या होगा। मैं एग्जाम्पल बताता हूँ क्या होगा। यहाँ कितने लोग स्टूडेंट्स हैं? स्टूडेंट्स, ओके। इसमें से बहुत सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स भी होंगे। कितने लोग इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं? बहुत सारे। एक इंजीनियरिंग कॉलेज में ज़्यादातर क्या होता है? एक तो है टॉप के कॉलेजेस, जैसे IIT हो गया और हो गए नंबर 1 नंबर 2, लेकिन ज़्यादातर लोगों को उसमें एडमिशन नहीं मिलता। तो वो एडमिशन लेते हैं एक ऐसे कॉलेज में जो इतना अच्छा नहीं है। अब उस कॉलेज में क्या बात हो रही होती है? एडमिशन भी खुद ही लिया है, लेकिन 24 घंटे उस कॉलेज की बुराई हो रही होती है कि इस कॉलेज की ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, एडमिशन के टाइम पे तो हमको ये बोला था, अब देखो कुछ भी नहीं कर रहे, यहाँ का ये अच्छा नहीं है, यहाँ का वो अच्छा नहीं है, सबसे बुरा यहाँ का प्लेसमेंट बिल्कुल बेकार है। उस कॉलेज में सब लोग बोल रहे हैं, 100 के 100 लोग बोल रहे हैं कि भाई इस कॉलेज से निकल करके एक बड़ी कंपनी छोड़ो, 6,000 की नौकरी मिलना भी बहुत मुश्किल है। राइट? ऐसा ही होता है। ऐसी ऐसी अजीब अजीब बातें हो रही होती हैं चारों तरफ, और हम भी करने लग जाते हैं। आपको क्या करना है? छोड़ो दुनिया को, छोड़ो और बाकी सब लोगों को जो वो कर रहे हैं। अगर आप चाहते हो आपके साथ कुछ अलग हो, कुछ अच्छा हो, तो आपको बोलना है, भाड़ में गई बाकी पूरी दुनिया, इसी कॉलेज से निकलूंगा और इंडिया की टॉप मल्टीनेशनल कंपनी में मेरे लिए जॉब मिलना आसान है। राइट? 99% लोग बोल रहे हैं मुश्किल है, तो बोलने दो ना यार, उनको करने दो 6,000 रुपए की नौकरी, उनको लड़ने दो उसके लिए, मैं तो टॉप कंपनी में जाऊंगा। अब क्या होगा जब आप ऐसा बोलोगे? बाहर से बोलोगे आसान है, अंदर से आवाज आएगी मुश्किल है। फिर बाहर से बोलोगे आसान है, अंदर से आवाज आएगी मुश्किल है, मुश्किल है। जिस दिन अंदर से आवाज आ गई ना आसान है, अंदर से यहां से कि हाँ मेरे लिए आसान है उस कंपनी में जाना, उसके कुछ टाइम के अंदर अंदर मैं गारंटी दे सकता हूं आप बैठे हुए होगे उस कंपनी के अंदर। और मैं कोई थ्योरेटिकल बात नहीं कर रहा कि ऐसा होगा, प्रैक्टिकली आप किसी भी बड़ी से बड़ी कंपनी को उठा के देख लो, आज इंडिया की या वर्ल्ड की कोई भी टॉप कंपनी को उठा के देख लो, क्या वहां पे जितने भी लोग हैं वो सब टॉप कॉलेजेस से निकले हुए हैं? नो, 80% से ज्यादा लोग ऐसे ऐसे कॉलेजेस से निकले हुए हैं जो आपसे भी नीचे वाले लेवल के हैं या आपके ही लेवल के हैं। अरे तो मेरे भाई, जब 80% लोग कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? राइट? जब आप बोलते हो आसान है, तो आपको ऐसे हजारों लाखों लोग दिखेंगे जो इससे भी नीचे वाले कॉलेजेस से निकले हैं और आज पता नहीं अपनी खुद की बड़ी बड़ी कंपनीज खोल रखी है उन लोगों ने। राइट? नाउ यहां तक हमको समझ आ गया, हमारी लैंड फर्टाइल हो गई, हमको एक हल मिल गया। अब अगर हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे और बोलते रहे आसान है, आसान है, आसान है, तो कुछ होगा क्या? कुछ नहीं होने वाला। मतलब कुछ करना होगा। अब कुछ करने की बारी आ गई, डिसाइड करना होगा कि क्या करना है, बिना उसके कुछ नहीं होने वाला। अब यहां आकर के बहुत सारे लोग अटक जाते हैं। एक तो बोलते हैं बहुत ऑप्शंस हैं, मैं क्या करूं, जो बोलते हैं मैं कंफ्यूजन है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा, बहुत सारे हैं। और कुछ लोग बोलते हैं मुझे पता ही नहीं मुझे क्या करना है, कि मतलब मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, 0 ऑप्शन है। राइट? ये दो तरह के लोग होते हैं। अब ये डिसाइड करना कि क्या करना है क्या नहीं, ये कहना बहुत आसान है लेकिन करना बहुत, कुछ लोगों ने बोला मुश्किल है, आसान है। राइट? देखो सिर्फ 2 ऑप्शंस हैं, सिर्फ 2 ऑप्शंस, बहुत सिंपल। पहला कि आप अपने बाहर की आवाज़ सुनो। बाहर की आवाज़ क्या कहती है? कि भाई लोग क्या कहते हैं, लोग क्या करते हैं, उसने क्या किया जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल हुआ, वो क्या कर रहा है, या किसी और से जाकर के राय मांग रहे हो कि भैया मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कोई अच्छी सी लाइन बता दो। एक बार मेरे पास कोई आया था और आकर के उसने बोला कि भाई मुझे कोई अच्छी सी लाइन बता दो। मैंने कहा हाँ यार, आजकल ना वो स्पेस टूरिज्म का काम काफ़ी अच्छा चल रहा है। मैंने बड़ा सीरियस होकर के बोला, कहता वो क्या होता है? मैंने कुछ नहीं करना यार, तेरे को एक रॉकेट खरीदना है और लोगों को स्पेस में लेकर के जाना है, चांद पे घुमा करके लाना है। कहता यार क्यों मजाक कर रहा है? मैंने कहा भाई शुरू किसने किया था? तो दूसरा ऑप्शन क्या है? एक है बाहर की आवाज़ सुनो, दूसरा है अपने अंदर की आवाज़ सुनो। अंदर की आवाज़, चाहे उसको आप आत्मा की आवाज़ बोलो, चाहे दिल की आवाज़ बोलो, चाहे कुछ भी बोलो, लेकिन अपने अंदर की आवाज़। और जिस दिन आपने वो सुन ली ना, बस उसके बाद और कुछ नहीं चाहिए। एक सिंपल सा एग्जाम्पल, रियल लाइफ, हर घर की कहानी। एक बच्चा है,
जिसका एक ही शौक है, वो क्या करता है, उसकी गाड़ियां हैं खिलौने वाली, उसको खोल खोल करके जोड़ता रहता है, जोड़ता रहता है, जोड़ता रहता है, यही काम है उसको, इसी चीज़ में मज़ा आता है और किसी चीज़ में मज़ा ही नहीं आता। अब वो धीरे धीरे बड़ा हुआ तो उसको कंप्यूटर्स का शौक चढ़ा, अब वो कंप्यूटर्स को खोलता रहता है, जोड़ता रहता है, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक्स। अब वो 18 साल का हुआ, अब बारी आई कि भाई क्या करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। अब उसके अंदर से आवाज़ आ रही थी कि मैं इंजीनियरिंग करूँ, इंजीनियरिंग करूँ, लेकिन सब ने, लोगों ने उसे ये कहा कि बेटा इंजीनियरिंग मत कर, उसमें कोई स्कोप नहीं है। और उसको ये बोला गया, बेटा तू एक काम कर, तू ना सीए कर ले। अभी सीए कहाँ से आया, ये भी बहुत मज़ेदार पॉइंट है, ये सीए कहाँ से आया, किसी ने एनालाइज नहीं किया कि उसके अंदर क्या है बच्चे के, उसमें टैलेंट है नहीं है क्या है, नहीं, इसलिए सीए कर ले क्योंकि हमारे खानदान में 15 साल पहले उन्होंने सीए करी थी, आज वो बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। तो अब क्या होगा, ये उसकी बाहर की आवाज़ है। अब प्रॉब्लम ये नहीं है सबने कहा, प्रॉब्लम ये है कि वो खुद भी डर गया, उसने कहा कि नहीं सब कह रहे हैं तो वही कर लेता हूँ ना, क्यों रिस्क लूँ, क्यों पंगा लूँ भाई, कल को अगर उल्टा पड़ गया तो कौन लेगा अपने सर पे, राइट। उसने कहा सीए ही कर लेता हूँ। अब वो सीए कर रहा है, तो सीए उसके लिए करना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है क्योंकि उसमें उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। और दूसरी तरफ अगर वो इंजीनियरिंग करता तो आज नहीं तो कल, वो आज कंप्यूटर खोल के जोड़ रहा था ना, कल एरोप्लेन खोल के भी जोड़ देता। अब यहां तक हमको समझ आ गया कि हमने मान लिया कि हम कुछ भी कर सकते हैं, अपने अंदर की आवाज भी सुन ली, समझ आ गया कि हाँ अंदर से ये मन कर रहा है ये करने का, फिर भी मतलब लैंड फर्टाइल हो गई, बीज हमारे हाथ में है, अगर हम उसको बोए ही नहीं तो कुछ होगा क्या, कुछ नहीं होगा, मतलब कि एक्शन ना लें। वर्ल्ड वाइड ऐसी बहुत सारी रिसर्च हुई है जिसमें ये प्रूव हुआ है कि 90% लोग जो फेल हो जाते हैं उसका सबसे बड़ा रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न ये है कि वो कभी ट्राई नहीं करते, वो कभी ट्राई नहीं करते, मतलब उस बीज को हाथ में रख करके बैठे रहते हैं, सोचते रहते हैं कि इसको बोऊं ना बोऊं, बोऊं ना बोऊं, बोऊं ना बोऊं, या जब सही टाइम आएगा तब बोऊंगा, और वो ले करके सोचते रहते हैं। मतलब वो इसलिए फेल नहीं होते कि उन्होंने कुछ किया, इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो करना चाहते थे और किया ही नहीं, जिंदगी भर किया ही नहीं। अब ये प्रॉब्लम है, यहां तक समझ आता है कि हम एक्शन नहीं लेते, लेकिन एक्शन क्यों नहीं लेते, मैं आप लोगों से पूछता हूं, एक्शन क्यों नहीं लेते, हमको पता होता है कि हाँ ये चीज हमको करनी है फिर भी हम नहीं करते, क्यों? एक वर्ड है, एक वर्ड, फियर, रिस्क। और वो बिल्कुल जेन्युइन है, मैं ये नहीं कह रहा हूं वो गलत है, वो सही है। देखो भाई हम अकेले नहीं हैं, आज आपके अंदर से एक आवाज़ आई कि मुझे ये करना चाहिए, आपके पीछे फैमिली भी है, घर वाले भी हैं, बच्चे भी हैं, सब कुछ हैं, आप कैसे कर दोगे, रिस्क है उसके अंदर, बकवास, बिल्कुल बकवास, मैं नहीं मानता। क्यों नहीं है, क्योंकि रिस्क नाम की कोई चीज़ है ही नहीं इस दुनिया में, भगवान ने या जिसने भी इस दुनिया बनाई रिस्क नाम की कोई चीज़ नहीं बनाई, ये इंसान खुद अपने लिए रिस्क पैदा करता जा रहा है, हम खुद ही अपने लिए रिस्की सिचुएशंस क्रिएट कर रहे हैं, खुद ही उससे डर रहे हैं। एक छोटा सा बच्चा है जो अभी अभी पैदा हुआ है, उसको बोला जाए पैदा होते ही, सब लोग आए उसको एनकरेज करने के लिए, बेटा भाग भाग बेटा भाग, क्या होगा उस बच्चे का, टूट फूट जाएगा, गिर जाएगा, राइट, रिस्क ही रिस्क है। मगर उस बच्चे को टाइम दिया जाए, उस बच्चे को बोला जाए चल बेटा पहले क्रॉल कर धीरे धीरे जमीन पे, फिर उंगली पकड़ के चल, फिर चल, फिर भाग, तो कोई रिस्क है नहीं है, यस और नो? नो। आपको एक बहुत मजेदार सी एक एक्सपीरियंस बताता हूँ जो मेरे साथ 5 साल पहले हुआ था। मेरे एक दोस्त आया जिसने MBA फाइनेंस किया हुआ था, मैंने कहा क्या बात है भाई क्या चल रहा है, अरे कुछ नहीं यार जिंदगी झंडा है फिर भी घमंड है। क्या हो गया? तो बंदा बिल्कुल परेशान, कहता यार मैं खुश नहीं हूँ, वो 9-10 घंटे मेरे ऑफिस में ऐसे निकलते हैं कि मैं पक जाता हूँ पूरे तरीके से, मेरा फाइनेंस फील्ड में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे बहुत बुरी हालत हो जाती है मेरी, जब तक मैं घर आता हूँ ना मैं अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन आकर के फिर अपनी वाइफ पे और सब पे निकालता हूँ, मेरे को गुस्सा आता है, मैं काफ़ी इरिटेट हो जाता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है भाई, इसका मतलब तो फिर यही है कि तेरे को कुछ और करना होगा या कुछ और सोचना होगा। कहता हाँ यार इसीलिए तो तेरे पास आया हूँ। मैंने कहा क्या सोचा है तूने? कहता यार सही बताऊँ तू मान जाएगा ना? मैं कहा अरे तू बोलना भाई, मैं तैयार बैठा हूँ तेरे लिए, बोलना तू क्या करना है। कहता मैं सोच रहा हूँ मैं तेरी तरह ना फोटोग्राफी कर लूँ, तू सिखाएगा मेरे को फोटोग्राफी? मैं कहा वो तो ठीक है मैं तेरे को सिखा दूंगा फोटोग्राफी, लेकिन तू फोटोग्राफी क्यों करना चाहता है फाइनेंस फील्ड को छोड़ करके, क्यों फोटोग्राफी, कोई वजह?
कहता यार इसलिए कि तू ना फोटोग्राफी करके बहुत खुश रहता है। मैं कहा बढ़िया यार, फिर तो काम हो गया, तू कल सुबह से आ मेरे स्टूडियो में, मैं तेरे को फोटोग्राफी सिखाता हूँ। लेकिन एक काम करियो, आज रात से ना तू करेले भी खाना शुरू कर दे, 4 कटोरी करेले रोज रात को अच्छे से। कहता क्या बोल रहा है यार? मैंने कहा साफ है ना इसका मतलब। मैंने कहा मैं भाई करेले खा करके भी बहुत खुश रहता हूँ, तो हर वो काम कर जो मुझे अच्छा लगता है। मैंने कहा मेरे भाई तू फिर से वही गलती करने वाला था जो तूने बहुत साल पहले करी थी। मैंने कहा मैं तेरे को इंडिया में 1,00,000 फोटोग्राफर्स ऐसे दिखा दूंगा, 1,00,000 जो मेरी तरह ही फोटोग्राफी करते हैं और बिल्कुल भी खुश नहीं है। उनके लिए फोटोग्राफी सिर्फ एक काम है और कुछ नहीं है। और मैंने कहा 1,00,000 लोग ऐसे दिखा दूंगा जो वही करते हैं जो तू अभी कर रहा है, मतलब फाइनेंस की फील्ड में है, और बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। मतलब कोई भी काम इंटरेस्टिंग या बोरिंग नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ तेरे इंटरेस्ट के ऊपर है कि तेरे को क्या चीज़ अच्छी लग रही है। जो तेरे अंदर से है वो अच्छा है तेरे लिए, जो नहीं है वो सब बेकार है। तो उसको समझ आया थोड़ा बहुत, और वो बोला, कहता यार लेकिन मेरे को तो समझ ही नहीं आता है अंदर की आवाज़ और ये वो, तू क्या बोलता रहता है, मेरे को नहीं समझ आता है, कैसे सुनूँ अपने अंदर की आवाज़, मेरे अंदर कोई आवाज़ ही नहीं आती। बड़ा जेन्युइन सी प्रॉब्लम है यार, नहीं आती आवाज़, अब क्या करोगे। मैंने कहा देख मैं तेरे को सिंपल कर देता हूँ कि अंदर की आवाज़ कैसे सुननी है। कोई भी ऐसा काम जो तू बिना थके बिना रुके दिन में 24 घंटे में से 12 घंटे कर सकता है, बिना पैसे की परवाह किए, चाहे पैसे कम मिल रहे हैं चाहे ज्यादा मिल रहे हैं, और फिर भी खुश रह सकता है, वो तेरे अंदर की आवाज है। तो एकदम खुश हुआ थोड़ा सा, उसकी आंखों में मैंने एक चमक सी देखी, एकदम खुश हुआ। कहता कि यार फिर तो सही हो गया। कहता लेकिन ऐसा तो एक ही काम है जो मैं 24 घंटे में से 12 घंटे कर सकता हूँ, ये वो। मैं कहा बता भाई क्या है? कहता मेरे को ना खाने पीने का बहुत शौक है। मैं उसके पास गया, मैंने उसके पेट पे हाथ लगाया, मैं कहा वो तो देख के ही पता लग रहा है भाई। मैं कहा तू नहीं भी बताता तो समझ आ रहा है। कहता यार तू ना भाई देख, एक तो ना सीरियस नहीं होता कभी। मैंने कहा चल हो गया सीरियस, अब बोल। कहता भाई मेरी पूरी बात सुन, मेरे को सिर्फ खाना खाने पीने का शौक नहीं है, मुझे खाना बनाने का भी बहुत शौक है। खाना मैं 24 घंटे बना सकता हूँ, मेरे को बहुत मज़ा आ रहा होता है। सब मेरा घर में मजाक भी उड़ाते हैं कि यार तू क्या ये बावर्चियों की तरह घूमता रहता है, लेकिन नहीं मेरा उसी में इंटरेस्ट है। तो बढ़िया है, उससे रिलेटेड कुछ कर ले, प्रॉब्लम क्या है, कर ले। कहता भाई हाँ यार ये तूने सही आइडिया दिया। मैंने कहा मैंने नहीं दिया, तूने खुद अपने आप को दिया। कहता मैं अब क्या करूँगा, मुझे समझ आ गया है। मैं ना अब तू देख एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट खोलूंगा एक बड़े से शॉपिंग मॉल में। मैं कहा तो क्या सोचा है, शॉपिंग मॉल में जगह खरीदेगा या किराए पे लेगा? कहता यार क्यों मजाक कर रहा है, तुझे पता तो है इतने पैसे थोड़ी है कि जगह खरीद लूंगा। कहता किराए पे लूंगा। मैं कहा कोई नहीं किराए पे लेगा, किराए पे भी क्या है, मतलब ज़्यादा खर्चा थोड़ी है। तू मान ले किराया एक बड़ा सा रेस्टोरेंट बड़े शॉपिंग मॉल में, मतलब 2-3 लाख रुपये महीने का किराया, ऊपर से थोड़े बहुत पैसे लगा के, देखो 40-50 लाख रुपये तो चाहिए, इतने तो होंगे ही तेरे पास। मैंने कहा हिसाब लगाइए ज़रा। तो हिसाब लगा रहा, कहता कि देख मेरी जो सेविंग्स है ये जोड़ के पापा से लेके यहाँ से दोस्तों से लेके, कहता 3-4 लाख रुपए तक तो हो जाएगा। मैं काफ़ी पास पहुँच गया तू अपने टारगेट के। अच्छा 3-4 लाख रुपए तेरा यहाँ से हो गया, बाकी के पैसे का भाई क्या जुगाड़ है? कहता क्या करूँगा क्या करूँगा यार, पापा घर तो गिरवी रखने नहीं देंगे। तो घर गिरवी रखने का सोच रहा है। मैंने कहा फिर भी सोच भाई क्या करेगा। कहता मैं एक प्रोजेक्ट बनाऊँगा इसका, अपने रेस्टोरेंट का, अब बैंक के पास जाऊंगा लोन के लिए, बैंक तो लोन मुझे दे ही देगा। मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा मेरे भाई बैंक सिर्फ उन लोगों को लोन देता है जिनको उस पैसे की सच में ज़रूरत नहीं होती। किस बेस पे लेगा भाई लोन, किस बेस पे लेगा? कहता हाँ यार तू कह तो ठीक रहा है, लोन तो मिलेगा नहीं, तो फिर क्या करूँ? कहता यार बहुत मुश्किल है, छोड़ नहीं खुल सकता। मैंने कहा क्यों मुश्किल है? कहता पैसे नहीं है ना। मैं क्यों नहीं है पैसे, अभी तो तूने कहा है पैसे हैं। कहता मैंने तो कहा है नहीं है। मैंने कहा तूने कहा है, तूने कहा है मेरे पास 3-4 लाख रुपए है। तो कहता 3-4 लाख रुपए में रेस्टोरेंट थोड़ी खुलेगा। मैंने कहा तुझे किसने कहा है रेस्टोरेंट खोलने के लिए? 3-4 लाख रुपए में से अगर तू चाहे तो 1 लाख रुपए साइड करके 2-3 लाख रुपए में एक बढ़िया सी स्टॉल या रेडी लगा सकता है, अपने खाने की स्टॉल लगा सकता है। कहता यार क्यों मजाक कर रहा है,
मैं एमबीए फाइनेंस हूं, मैं रेडी लगाऊंगा क्या? मैंने उसको कहा प्रॉब्लम क्या है, है तो सही तेरे पास पैसा, लगाना रेडी? कहता नहीं लगा सकता यार, नहीं लगा सकता, तू समझा कर। मैंने कहा मैं तो सब कुछ समझ रहा हूँ, तू नहीं समझ रहा, मैं तेरे को समझाता हूँ, तू रेडी क्यों नहीं लगाना चाहता? तू रेडी लगाएगा, तुझे पता है तू खुश रहेगा, तू हंसता खेलता रहेगा, खाना बनाएगा, खिलाएगा, स्टॉल लगाएगा, वहाँ पे लोग आएंगे, और आज नहीं तो कल तेरा बड़ा रेस्टोरेंट भी खुलेगा उस रेडी के थ्रू, ये भी तुझे पता है, फिर भी तू नहीं लगा रहा। मैं बताऊँ क्यों? क्योंकि तू ये सोच रहा है, अब मेरे ससुर जी क्या सोचेंगे कि मैंने शादी करी थी एक एमबीए फाइनेंस के साथ और वो रेडी लगा करके बैठा हुआ है। मैं कहा यही सोच रहा है ना तू, कि वो क्या सोचेंगे, तेरे घर वाले क्या सोचेंगे, तेरी वाइफ क्या सोचेगी, दुनिया क्या सोचेगी? बढ़िया है, सोचता रहा। कहता हाँ यार बात तो सही है। कहता लेकिन रेडी मैं नहीं लगा सकता, रेडी नहीं लगा सकता, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग, कमाल का डर, सबसे बड़ा रोग, सबसे बड़ा। मैं कहा तुझे याद है जब मैंने फोटोग्राफी शुरू की थी तो क्या हुआ था? उस टाइम पे जब मैंने फोटोग्राफी शुरू करी थी, पूरी दुनिया ने मेरा मजाक उड़ाया था, पूरी दुनिया ने, सिर्फ घर वालों ने नहीं, रिश्तेदारों ने नहीं, सब ने, दोस्तों ने, जहां भी जाता था लोग कहते थे आ गया भैया देखो, कहता ले भाई 10 रुपये मेरी फोटो खींचते, ले भाई ले भाई ले भाई। मैं कहा ऐसी स्टेज आई थी जब तुझे याद होगा तूने मुझे क्या कहा था कि भाई मेरी शादी में वैसे तो मैंने फोटोग्राफर्स बुक कर लिए हैं लेकिन तू भी आ जाइयो पीछे खड़ा होकर के थोड़ी बहुत फोटो खींचता रहियो। अगर उस टाइम पे मैंने ये सोचा होता कि तू क्या सोचेगा या तेरे जैसे और लोग क्या सोचेंगे तो आज मैं यहां नहीं होता। भाड़ में गए वो लोग, क्या सोचेंगे क्या नहीं सोचेंगे, मैंने कहा मैंने कभी परवाह नहीं करी, इसीलिए मैं आज यहां पहुंचा। और सिर्फ मैं नहीं, पूरी दुनिया में उठा करके देख ले क्या किया उन लोगों ने, उन्होंने अपने दिल की सुनी, यानी कि अपने अंदर की आवाज सुनी और छोटे छोटे स्टेप्स उठाए, छोटे छोटे स्टेप्स उठाए, बड़ी छलांग नहीं मारी। हम बड़ी छलांग मारने की कोशिश करते हैं कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, अरे भाई प्रॉब्लम क्या है, जो करना है आज करना और छोटे से छोटे लेवल से कर, फिर देख तेरे को कौन रोकता है, कोई नहीं रोक पाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। हम चाहते क्या हैं कि बीज हमारे हाथ में है, बस रातों रात किसी तरीके से एक पेड़ लग जाए यहां पे, रातों रात एक साल के अंदर अंदर एक पेड़ लग जाए, बस हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो सही तरीका क्या है कि बीज को बो दो, छोटे से छोटे स्टेप्स उठाओ, उसको खींचो मत, खींचातानी मत करो, स्टेप्स उठाओ, मतलब के ना भागना है ना रुकना है, बस चलते रहना है, चलते रहना है। बस एक फाइनल स्टेप है जो बीच में जाकर के अटकेगा, जहां बहुत सारे लोग अटक जाते हैं, मतलब आपने ये किया तो आप पैसा तो कमा लोगे, जो भी कुछ करोगे उसमें आप पैसा कमा लोगे, लेकिन सक्सेसफुल हो गया नहीं वो पता नहीं, उसके लिए एक फाइनल स्टेप है जो आपको फॉलो करना होगा। और ये कुछ लोगों को सुनने में अजीब भी लगने वाला है क्योंकि ये उल्टा है उससे जिसकी बात की जाती है सक्सेस से रिलेटेड, लेकिन ये सच है विद प्रूफ। आपने अपनी लैंड को फर्टाइल किया, एक बीज बोया, आज वो बीज पेड़ बन गया, उसमें फल लग गए। अब अगर आप पागल हो जाओ और आप कहोगे सारे के सारे फल मैं अकेला ही खाऊंगा, किसी को नहीं दूंगा, किसी के साथ शेयर नहीं करूंगा, तो क्या होगा? या तो वो फल सड़ जाएंगे या फिर आप खुद खा खा के मर जाओगे। सिंपल। अब एक ऐसी कहानी है जिसका मेरी लाइफ पे ना बहुत बड़ा असर हुआ है। दो किसान होते थे एक गांव में, एक जैसा काम करते थे, दोनों मरे, भगवान के पास गए। वहां गए जा करके भगवान ने बोला कि हाँ बेटा अब तुम्हें अब क्या बनना है, क्या चाहिए तुम्हें? तो एक किसान बहुत फ्रस्ट्रेटेड, गुस्से में भगवान से बोला कि भगवान क्या घटिया जिंदगी दी थी आपने मुझे, कुछ भी नहीं था मेरे पास में, कुछ भी, देखो मेरी आपने क्या हालत बना दी थी, पूरी जिंदगी बस उस बैल की तरह मैं काम करता रहा करता रहा करता रहा,
जो भी पैसा कमाता था वो आता था कोई ना कोई मेरे से लेके चला जाता था, मेरे हाथ में कुछ नहीं आया। तो भगवान इस जन्म में कुछ ऐसा कर दो कि मुझे ना किसी को कुछ देना ना पड़े, बस मुझे पैसा मिले 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 हर तरफ से मिले। भगवान ने कहा तथास्तु, जा बेटा। दूसरा आया, उसको बोला हाँ भाई तुझे क्या चाहिए। कहता भगवान आपने मुझे इतना कुछ दिया कि मैं आपसे क्या मांगूँ, मेरे को एक अच्छा परिवार दिया था, अच्छा खासा मेरे को काम दिया था, अच्छा गांव था, खाने की कभी कोई कमी नहीं हुई, कभी मैं भूखा नहीं सोया, बस एक ही कमी रह गई मेरी ज़िंदगी में, मेरे दरवाजे पे ना कई बार कुछ भूखे लोग आते थे कुछ मांगने के लिए, बस कुछ ऐसा कर दो कि मेरे दरवाजे से कोई भूखा ना जाए। भगवान ने कहा तथास्तु, जाओ भाई। दोनों का जन्म हुआ उसी गांव में, दोनों बड़े हुए। पहला आदमी जिसने कहा था कि मुझे बस मिले 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 और मुझे किसी को देना ना पड़े, वो बना उस गांव का सबसे बड़ा भिखारी। देना ना पड़े, बस मिले 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 मिले। और दूसरा आदमी जिसने कहा था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस कोई भूखा ना रहे, वो बना उस गांव का सबसे अमीर आदमी, सबसे अमीर आदमी। सिंपल है, अगर आप हंसते रहना चाहते हो उसका सिर्फ एक ही तरीका है, हंसी दो, हंसी दो। कितना आसान है, और कोई तरीका नहीं है। आप गुस्से से देखते रहो सामने वाले को और एक्सपेक्ट करो यार मेरे को आसानी रहा आसानी रहा आसान, कैसे हंसाएगा यार, कैसे हंसाएगा कोई आपको, आपको कैसे हंसी मिलेगी, कैसे खुशी मिलेगी अगर आप किसी को खुशी नहीं दोगे। आप लड़ते रहोगे तो सामने वाला भी आपसे लड़ेगा ही ना। यहाँ कितने हस्बैंड्स बैठे हैं जो चाहते हैं कि उनकी वाइफ उनको बहुत रिस्पेक्ट करे, सब चाहते हैं, उसका सिर्फ एक तरीका है, अपनी वाइफ को रिस्पेक्ट दो बस, और कोई दूसरा तरीका नहीं है, कोई दूसरा तरीका नहीं है। चाहते हैं लेकिन देते नहीं हैं, प्यार चाहते हैं लेकिन देते नहीं हैं, बस चाहते हैं कि हमें मिले, हमें सब कुछ मिल जाए। अब मैं जो बात बोलने वाला हूँ उसमें झटका लगने वाला है यहाँ पर बहुत सारे लोगों को, बहुत तेज़ झटका लगेगा। अब यहाँ कितने लोग हैं जो चाहते हैं उनके पास बहुत सारा पैसा हो, उसका सिर्फ एक तरीका है, पैसा दो। कुछ लोग जो तालियां नहीं बजा रहे ना वो बहुत सीरियस हो गए, उनको लग रहा है मैं एक डब्बा लेके आ जाऊंगा, दस रुपए दस रुपए दस रुपए दस रुपए दस रुपए दस रुपए। पैसा दो, पैसा कोई कैसे दे सकता है। पैसे के बारे में तो बहुत अजीब अजीब चीजें हमारे अंदर बैठी हुई हैं और बहुत गहराई तक बैठी हुई है। बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, राइट। और कुछ लोग हैं उन्होंने सच मान लिया इस बात को, वो सही में अपने माँ बाप से लड़ रहे हैं, अपने भाई बहनों से लड़ रहे हैं पैसे के लिए, पैसे के लिए। मैं ये नहीं कह रहा पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो कहना बेवकूफ़ी होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन पैसे की इंपॉर्टेंस सिर्फ इतनी है जितनी एक गाड़ी में पेट्रोल की होती है, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। बिना पैसे के आपकी जिंदगी की गाड़ी नहीं चलेगी, ये बात सच है। लेकिन यहाँ कितने लोग हैं जो अपनी असली जो गाड़ी है या बाइक है वो सिर्फ पेट्रोल के लिए चलाते हैं, सिर्फ पेट्रोल इकट्ठा करने के लिए। गाड़ी जाते हैं पेट्रोल पंप से, पेट्रोल खरीदते हैं, अंदर गाड़ी में रखा, वहाँ से लिया पेट्रोल गाड़ी में, लिया गाड़ी में, लिया गाड़ी में। कितने लोग हैं, एक भी नहीं। तो भाई पैसे में क्या हो जाता है, वहाँ क्यों अटक जाते हैं जा करके, और हम बेवकूफ़ी कर बैठते हैं क्यों, क्योंकि दुनिया में ज़्यादातर लोग कर रहे हैं तो हम सोचते हैं यही सही होगा ना, जब ज़्यादातर लोग यही कर रहे हैं तो यही सही होगा, जबकि अंदर से हमको पता ही ये सही नहीं है। चारों तरफ पेट्रोल ही पेट्रोल, पेट्रोल ही पेट्रोल, पेट्रोल ही पेट्रोल, इतना पेट्रोल कि किसी के बैठने तक की जगह नहीं है गाड़ी में, सांस लेने तक की जगह नहीं है। एक दिन हल्की सी चिंगारी लगती है, आग लगेगी और खुद ही जल के मर जाएंगे। हो रहा है ना, हो रहा है, चल रहे हैं वो लोग, दुनिया की नजर में वो सक्सेसफुल हो सकते हैं, अपनी नहीं, अपनी नहीं।
और मैं कोई थियोरेटिकल बात नहीं कर रहा। अगर एक तरफ आप एक आदमी को रख दो जिसके लिए पैसा ही सब कुछ है, जो बहुत सेल्फिश है और उसके पास बहुत सारा पैसा है मान लो, लेकिन सिर्फ पैसा है और कुछ भी नहीं है, कोई खुशी नहीं है, कुछ नहीं है, ना वो खुशी देता है ना वो खुश होता है, और दूसरी तरफ एक ऐसा आदमी है जिसके पास पैसा चाहे थोड़ा सा कम है लेकिन उसका सिर्फ एक काम है, दुनिया में हंसी खुशी बांटना, तो ऐसा आदमी जो हंसी बांट रहा है, खुशी बांट रहा है दुनिया में, उसके पास पैसा चाहे कम हो, वो लाख गुना ज्यादा सक्सेसफुल है ऐसे करोड़पतियों से, लाख गुना ज्यादा। इसको असली सक्सेस बोलते हैं। और दूसरी तरफ ऐसे लोगों को लाके यहां पे खड़ा कर दो जिनके पास पैसा बहुत है लेकिन अंदर से देने की हिम्मत नहीं है, शेयर करने की हिम्मत नहीं है, खुशी की हिम्मत नहीं है, खुशी देने की, हंसी देने की, वो यहां पे खड़े होकर के किसी की आंख में आंख मिला करके बोल नहीं सकते कि मैं सक्सेसफुल हूं, नहीं बोल सकते। दुनिया उनको बोलती है लेकिन वो नहीं। अब बात करते हैं प्रैक्टिकली ये किस तरीके से काम करता है, शेयरिंग का फंडा। मेरी लाइफ में एक ऐसी स्टेज थी जब मैं फोटोग्राफी करता था तब मैं अकेला ही सब कुछ करता था, मतलब मैं खुद ही पियोन था, खुद ही अपना फर्श साफ करता था, घर में ये कोने में छोटा सा एक टेबल चेयर लगाई हुई थी, खुद ही लोगों के लिए पानी लेके आता था, खुद ही फोटोग्राफी करता था, हाँ खुद ही काउंसलिंग करता था, खुद ही बातें करता था। उस टाइम पे मुझे समझ आ गया कि मैं अकेला सब कुछ नहीं कर सकता, तो एक फ़ीमेल को रिक्रूट किया, किसी के रेफरेंस से एक फ़ीमेल ने ज्वाइन किया। जब वो फ़ीमेल आई जॉब के लिए तो उसने बोला कि मेरे को 10,000 रुपये सैलरी चाहिए। मैंने कहा मैं तुम्हें 10,000 रुपये तो नहीं दे सकता, 8,000 रुपये दे सकता हूँ। तो उसने ज्वाइन कर लिया। उसके 2 महीने के अंदर अंदर जब उसने ज्वाइन किया तो काम धीरे 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 बढ़ने लग गया। 2-3 महीने बाद मेरे दिमाग में क्या आया कि यार आज मैं 20-25,000 रुपये महीने का कमाता हूँ, उसमें से 8,000 रुपये तो ये लड़की ले जाती है, मैं तो बेवकूफ़ हूँ। तो मैंने बड़े पोलाइटली उसको बोला कि भाई ऐसा है कि मैं तुम्हें 8,000 रुपये नहीं दे सकता, मैं तुम्हें 6,000 रुपये दे सकता हूँ, करना है करो नहीं तो चले जाओ। तो वो छोड़ के चली गई। वो जब गई उसके 1 साल तक मैं जहाँ था वहीं का वहीं अटका रहा, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाया, एक कदम भी। कोई भी आदमी हो या कहीं भी है इस दुनिया में, अगर वो कहता है ना कि मैं अकेले सब कुछ कर सकता हूँ तो वो झूठ बोल रहा है। उसको लोग चाहिए उसकी मदद करने के लिए, मगर कोई किसी की मदद क्यों करेगा, हर आदमी पहले अपनी मदद करेगा। तो वो आपकी मदद सिर्फ तब करेगा जब आप उसकी मदद करने की सोचोगे, सिंपल। एक बड़ा आसान सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं यहां पे, कितने लोग हैं, दो कंपनीज, एक कंपनी जो क्या करती है, जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो बहुत मीठी मीठी बातें करती है आपसे कि भाई यहाँ पे ये होगा वो होगा वो होगा वो होगा, आप चिंता मत करो सब अच्छा होगा। आप जा करके ज्वाइन करते हो तो आपकी हालत ख़राब कि नहीं नहीं ओवर टाइम का किसने कहा था, तुमको पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, ये नहीं होगा वो नहीं होगा, ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा, करना है करो नहीं करना छोड़ दो। 8 घंटे की जॉब बोला और 10-10 घंटे काम करा रहे हैं, 12-12 घंटे काम करा रहे हैं और ओवर टाइम भी नहीं दे रहे। ऐसी कंपनीज हैं बहुत सारी हैं। दूसरी तरफ एक कंपनी है जो बोलती है वो ही करती है। उसने कहा कि 8 घंटे काम है तो 8 घंटे है, ऊपर है तो ओवर टाइम है, ये है तो ये है, उसके अलावा आपके बारे में सोचती भी है, तो आप कौन सी कंपनी के साथ जाकर के जुड़ोगे, पहली या दूसरी? अब एक बात बोलूं सच सच कि हाँ जिसने बोला ना दूसरी कंपनी के साथ जाकर के हम जुड़ेंगे, वो ही लोग अगर आज जॉब कर रहे हैं कल वो अपनी कंपनी खोलेंगे तो वो खुद वो पहली कंपनी बन जाएंगे। भूल जाएंगे, अब जब उनकी अपनी कंपनी होगी तो चाहेंगे कि अगर ये 8,000 का आदमी है तो हमको 5,000 में मिल जाए किसी तरीके से। क्या कर रहे हैं यार, क्या कर रहे हैं? दो तरह के लोग हैं इस दुनिया में, एक वो जो शेयरिंग में बिलीव करते हैं और एक दूसरे वो जो नहीं करते। जो नहीं करते ना आज नहीं तो कल एक एक करके उनके सारे हाथ पैर कट जाएंगे। एक स्टेज बाद में ऐसा आएगा कि धीरे धीरे हर इंसान उनको छोड़ करके जाएगा, ऐसे लोगों के पास जाकर के जुड़ेगा जो लोग शेयरिंग में दिल से बिलीव करते हैं। आज उनके 2 हाथ होंगे, धीरे धीरे 4 हाथ होंगे, फिर 10 होंगे, फिर 100 होंगे, एक दिन उसके 1,000 हाथ होंगे। और उस दिन जो होगा उसके लिए सक्सेस एक बहुत छोटा वर्ड है, उस दिन मिरेकल होगा, मिरेकल। लोग देख करके कहेंगे कि इम्पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है, ये क्या हो गया, ये कैसे हो सकता है, ये कोई कैसे कर सकता है।
इतने कम टाइम में ये सब क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, कैसे हो गया? भाई सिंपल है, उसको शेयरिंग के बारे में पता है, आपको नहीं पता। जिस दिन समझ आ गया, आपकी लाइफ में भी मिरेकल्स होना शुरू हो जाएंगे चारों तरफ। अब पेड़ पे बहुत सारे फल लग गए, उन फलों को हम शेयर कर रहे हैं, हमको पता है और फल आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, शेयर कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, तो आप सक्सेसफुल हो गए। लेकिन अब सवाल ये है कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं? मैं जब छोटा था, मेरे को लगता था कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। जैसे जैसे बड़ा हुआ, दिमाग में बैठ गया कि मैं कुछ नहीं कर सकता। उसके पीछे बहुत सारी वजहें थी, उसमें से सबसे बड़ी वजह थी, जब मैं 10th क्लास में था, तब हमारी फैमिली में कुछ मेजर प्रॉब्लम्स हो गई। हमारा एक एल्यूमिनियम का बिजनेस था, मेरे फादर का, 20 साल पुराना, किसी के साथ पार्टनरशिप में, वो रातों रात ख़त्म हो गया, जिसकी वजह से हमारी फैमिली की सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो गई। और समझ नहीं आ रहा था कि कल क्या होगा, किसी को समझ नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से मेरे फादर थोड़ा सा डिप्रेशन में भी चले गए, और घर में बड़ा अजीब सा एटमॉस्फेयर रहने लग गया, सबको लगने लग गया पता नहीं क्या होगा, क्या होगा। मैं छोटा था, मैं क्या करता, 15-16 साल का था। अब ऐसे में दो चीज़ें होती हैं हर फैमिली में जब कुछ ऐसा होता है। कुछ फैमिलीज़ होती हैं जो टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं, वो आपस में ही लड़ने लग जाते हैं। दूसरी फैमिलीज़ होती हैं जो और पास आ जाती हैं। हमारी फैमिली में वो दूसरी वाली चीज़ हुई। मैं, मेरी मदर, मेरी छोटी सिस्टर, हम सब आए और हम सब ने कहा कि ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ये हम सबकी प्रॉब्लम है, हम सब मिलकर कोई ना कोई हल निकालेंगे, करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, कुछ ना कुछ होगा। तो अब क्या था, मैं चाहता तो था कि कुछ हो, मानता क्या था, कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी लैंड इनफर्टाइल थी। उसके बाद हमने कई चीज़ें ट्राई करी, जैसे एक खजूर का बिजनेस किया था हमने, मतलब खजूर के पान बनाती थी मेरी मदर, और मैं जा करके वो जो डब्बे में पान होते थे खजूर के, वो जा करके लोगों को देता था कि भाई हेल्थ के लिए अच्छा होता है। एक पर्चे बनवाए थे अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में, यहाँ पे वहाँ पे वो देते थे। वो काम इतना नहीं चला, वो बंद हो गया। उसके बाद में हमने एक एसटीडी पीसीओ की शॉप खोली, फोटो स्टेट की, एसटीडी की, पीसीओ की। वहाँ पे मेरी मदर बैठती थी, कई बार मैं भी जा करके बैठता था वहाँ पे। और वहाँ पे जा करके तो मेरी लैंड और इनफर्टाइल हो गई, क्योंकि वहाँ मैंने लोगों को देखा 25-25 पैसे के पीछे अपनी मदर से लड़ते हुए। कई बार अंदर से गुस्सा भी आता था, लेकिन क्या करता, लाइफ यही है। तब मुझे लगा कि यार सच में पैसा ही सब कुछ है, पैसा ही भगवान है, कहीं से भी बस पैसा आ जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कहीं से मुझे कोई नौकरी दे दे और पैसा आ जाए, सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाए। तो एसटीडी पीसीओ की शॉप भी बंद हो गई। उसके बाद मैं कई जगह इंटरव्यूज के लिए गया, हर जगह फेल होता चला गया, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या होगा। अब मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट आया। मैं एक सेमिनार में गया, जो एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी का सेमिनार था। अब मेरी एज उस टाइम पे 18 साल थी। मैं सच बताऊं, 3 घंटे का सेमिनार था, मुझे कुछ समझ नहीं आया, सब कुछ मेरे ऊपर से निकल गया। और मुझे एग्जैक्ट याद है आज भी कि मैं कहां बैठा था। आगे से एक ऑडिटोरियम था और मैं यहां से तीसरी सीट पे बैठा हुआ था, मैं देख रहा था, और इस जगह पे एक 21 साल का लड़का खड़ा हुआ था। जब तक वो बोलता रहा, मेरे दिमाग में कुछ नहीं घुसा, सब ऊपर से निकल गया। लेकिन एंड में उसने एक बात बोली, कहता मेरी एज 21 साल है और मैं महीने का 2.5 लाख रुपए कमा रहा हूँ। उसमें उन्होंने क्या किया होता, उस चेक की बड़ी सी फोटोकॉपी कराई हुई और स्टेज पे खड़े हो गए, ऐसे दिखा रहे थे। अब मैं वहाँ बैठा हुआ 0 गिन रहा था, 1, 2, 3, 4, 5। मेरे दिमाग में आ रहा था, मैंने कहा ये तो सच में कमा रहा है 2.5 लाख रुपए महीने का। मेरे तोते उड़ गए, दिमाग फट गया मेरा। मैंने ये देखा था जिंदगी में कि भैया 10-15 हज़ार रुपये के लेवल पे पहुंचने में भी सालों लग जाते हैं, और यहाँ दूसरी तरफ एक लड़का है मेरे जैसा ही जो कह रहा है कि मैं 2.5 लाख रुपए महीने का कमा रहा हूँ। और वो एक सेकंड लगता है, एक सेकंड, वही वो सेकंड था मेरी जिंदगी का। अंदर से चीख निकली, मैंने कहा कि अगर ये लड़का कर सकता है जो देखने में बिल्कुल मेरे जैसा है, अरे तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं क्या कोई दूसरे प्लैनेट से आया हूं, मैं क्यों नहीं कर सकता। अगर इसके लिए आसान है तो मेरे लिए भी आसान है, मैं भी कर सकता हूं, कर सकता हूं। और जैसे ये दो वर्ड्स आए मेरी लाइफ में, जैसे ही अंदर तक मैंने मान लिया कि सब कुछ आसान है, तो मेरे अंदर चेंजेस आने शुरू हो गए। जहां पहले मैं बोलता था कि अरे मुश्किल है, कुछ नहीं हो सकता, हमारा तो टाइम ही खराब चल रहा है, पता नहीं क्या होगा, मैं बोलने लग गया अरे अब आप देखो मैं क्या करता हूँ, अरे 2-2 लाख के चेक तो ऐसे ले आऊँगा, कंपनियाँ खड़ी कर दूंगा, अभी आप देखते जाओ, अभी आपको पता नहीं है क्या होने वाला है। और सब बोलने लग गए थे कि संदीप तो पागल हो गया है। अब ये एक बहुत मज़ेदार पॉइंट है, जब भी आपको लोग बोलने लग जाएं कि आप पागल हो गए हो, तो आप समझ जाओगे आप सही ट्रैक पे हो।
थोड़ा सा तो पागल होना पड़ेगा। वही हुआ, मैं पागल हो गया, अजीब अजीब बातें करने लग गया, मतलब अंदर से मुझे लगने लग गया बहुत आसान है। लैंड फर्टाइल हो गई, एक स्टेप कंप्लीट, दूसरा स्टेप डिस्कवर करना था कि क्या करना है। अब दो आवाजें थी, बाहर की आवाज, अंदर की आवाज। मैं उस आदमी को जिसको मैंने स्टेज पे देखा था, उसको देख करके मैं सोच रहा था कि मुझे ऐसा बनना है, वो ये कर रहा है तो मैं भी यही करूंगा और मैं 2.5 लाख रुपए कमाऊंगा। मेरा इंटरेस्ट नहीं था, मेरे अंदर की कोई आवाज़ नहीं थी, सब बाहर की थी। तो मैं वहाँ 20-25 लोगों को लेकर के गया उस कंपनी में, एक ने भी ज्वाइन नहीं किया। और जिनको लेकर के जाता था वो मेरा और ज़्यादा मजाक उड़ाते थे कि भाई कहाँ लेके गया था तू, और वे कहते थे तेरा 2.5 लाख का चेक आएगा उसमें से थोड़ा हमें भी दे दियो। तो मतलब मैं फेल हो गया बुरे तरीके से। दो वजह थी उस फेलियर की, एक ये कि वो मेरे अंदर की आवाज़ नहीं थी, दूसरी ये कि मैं शेयरिंग नहीं समझ पाया था। मैं वहाँ लोगों को उनके फ़ायदे के लिए नहीं लेके जा रहा था, अपने फ़ायदे के लिए लेके जा रहा था। मन में क्या था एक 18 साल के लड़के के, मुझे अपनी फैमिली की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। भाड़ में गए ये लोग, तो मैं लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना पाया। तो अब ये जो मैं फेल हुआ, वो मेरी अच्छी किस्मत थी या बुरी किस्मत? बुरी है, अच्छी कैसे हुई? उस टाइम के हिसाब से तो बुरी किस्मत है ना, लेकिन ये ही बेवकूफ़ी है, क्योंकि बुरा तो कुछ है ही नहीं इस दुनिया में, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए होता है। सक्सेस कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस कम्स फ्रॉम बैड एक्सपीरियंसेस। मतलब के सक्सेस है अगर वो आपके पास आ सकती है तो सिर्फ एक्सपीरियंस से, और एक्सपीरियंस अगर आ सकता है आपके पास तो वो आ सकता है खराब एक्सपीरियंसेस से, अच्छे एक्सपीरियंसेस से नहीं। राइट, और वो चीज़ मुझे समझ आ गई जब उस कंपनी में गया। उसका फ़ायदा ये हुआ, फाइनेंशियली मैं फेल हो गया, लेकिन फ़ायदा ये हुआ बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिली। ये सारी बातें समझ आने लग गई जो मुझे नहीं समझ आती थी, कुछ अलग थी वो बातें, तो वो दिमाग में घुस गई कि हाँ इसका मतलब फेलियर का भी फ़ायदा है। तो मैं उदास नहीं हुआ। उसके बाद फिर मैंने बाहर की आवाज़ सुनी, फिर से दोबारा वही गलती करी। मेरे को मेरे रिलेटिव्स ने, फैमिली में, अब पता नहीं मजाक मजाक में या सच में, उन्होंने सबने चढ़ा दिया कि अरे यार संदीप तू तो बिल्कुल हीरो लगता है। और मैंने सोचा इतने सारे लोग कह रहे हैं तो गलत थोड़ी होंगे। अब मैंने बाहर की सुनी, मैं चला गया हीरो बनने के लिए, मॉडल बनने के लिए। मैंने कहा मैं बनूंगा, इतने लोग कह रहे हैं तो चला गया। जा करके देखा मेरे जैसे हीरो हजारों लाइन लगा के खड़े हैं और 2.5-2.5 रुपए की कचौड़ी खा रहे हैं। मैं कहा भाई संदीप तेरा तो काम हो गया। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने कहा नहीं कुछ तो करूँगा, कुछ तो करूँगा, आसान है आसान है आसान है आसान है आसान है। तब तक काम नहीं आएगा जब तक अंदर से आवाज़ नहीं आएगी। वही हुआ मेरे साथ, मैंने बहुत बोला, बहुत मन में आया कि नहीं कर लूँगा कर लूँगा कर लूँगा, अंदर से था ही नहीं मॉडलिंग करने का, हीरो बनने का, एक्टिंग का। गया जा करके ऑडिशन देने जाता था, ब्लैंक हो जाता था, भूल जाता था, अंदर से मज़ा ही नहीं आता था। कुछ म्यूज़िक वीडियोज़ करी, कुछ ऐसी म्यूज़िक वीडियोज़ की अगर मैं आपको यहाँ दिखा दूँ तो आपका हंसते हंसते पेट दर्द हो जाएगा। जब मेरा 5 साल का बेटा तंग कर रहा होता है घर में, हुड़दंग मचाया होता है उसने, तो मेरी वाइफ वो वीडियो को प्ले कर देती है और वो बेटा वहाँ टिक के बैठ जाता है और देख के हंसता रहता है, पापा ही क्या कर रहे हैं। फेल हो गया। मैं ये मानता हूँ जैसे मैंने अभी आपको कहा कि अगर आप कामयाब हो सकते हो तो सिर्फ और सिर्फ अपने फेलियर्स की वजह से, अपनी सक्सेस की वजह से नहीं। तो ये मेरी लाइफ का इतना बड़ा फेलियर मेरी लाइफ की एक बहुत बड़ी सक्सेस लेकर के आने वाला था, जो मुझे नहीं पता था, बाद में समझ आया। कैसे? मॉडलिंग करते टाइम मेरा एक दोस्त आया जो कहीं से एक फोटोग्राफ्स खिंचवा करके लाया, और वो फोटोग्राफ्स मैंने देखी तो मैंने देख करके कहा, मैंने कहा यार ये तो क्या फोटोग्राफ्स हैं, मज़ा आ गया। उस टाइम पर डिजिटल कैमराज नहीं होते थे, तो मैंने कहा कि यार ये तो मज़ा आ जाएगा, ये मेरे को सीखनी है। मतलब पहली बार लाइफ में अंदर से आवाज़ आई कि मुझे फोटोग्राफी सीखनी है यार, मुझे सीखनी है, मुझे फोटोग्राफर बनना है। न्यूज़पेपर में एक ऐड देखी, उनके पास गया, एक छोटा सा 2 हफ्ते का फोटोग्राफी का कोर्स ज्वाइन कर लिया। मुझे नहीं पता था मैं क्या करूँगा, क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, सोचा ही नहीं, बस दिल की सुनी। अंदर से होता है ना, फीलिंग आती है कि यही तो चाहिए था, मिल गया। अपनी मदर के पास गया, उनसे 12,000 रुपये लिए और जा करके कैमरा खरीद के आ गया। रिलेटिव्स की, फ्रेंड्स की, सबकी फ्री में फोटोग्राफ्स खींचने लग गया। मुझे नहीं पता था मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, करता रहा करता रहा करता रहा। अब क्या होता है कि जब अंदर से भी आवाज़ आती है ना, तो लाइफ में कभी ना कभी ऐसी स्टेज आएगी आप लोगों की लाइफ में, आप स्टेप उठा लोगे, एक्शन ले लोगे, और जो आप चाहते हो वो जा करके रियलिटी से टकराएगा, जो बहुत अलग होगा। मैं चाहता था एक बहुत अच्छा फोटोग्राफर बनना, लेकिन रियलिटी क्या थी,
कि मेरे जैसे लाखों फोटोग्राफर्स इंडिया में जिन्होंने एक साल का कोर्स, दो साल का, चार साल का भी कोर्स किया हुआ है, वो लोग भी ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे थे। और मैंने क्या किया था, सिर्फ दो हफ्ते का कोर्स, मतलब मैं कोई बहुत अच्छा फोटोग्राफर नहीं था। बस अब वो टर्निंग पॉइंट था कि मेरा फेलियर मेरी सक्सेस कैसे बना। उन 1,00,000 फोटोग्राफर्स में और मुझ में एक छोटा सा फर्क था, मैं मॉडलिंग में फेल हो चुका था, वो नहीं हुए थे। मैंने जब मॉडलिंग के लिए धक्के खाए थे तो मुझे पता था कि 90% मॉडलिंग एजेंसीज फ्रॉड हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने एक लिस्ट बनाई 70-80 फ्रॉड एजेंसीज की और 10-15 जेन्युइन मॉडलिंग एजेंसीज की, और लोगों को बांटनी शुरू कर दी कि ये फ्रॉड है, फ्रॉड है, फ्रॉड है, ये जेन्युइन है। और ये चीज़ लोगों को अच्छी लगने लग गई। उसके बाद मैंने एक छोटी सी एड निकाली न्यूज़पेपर में, फ्री पोर्टफोलियो, और लाइन लग गई, बहुत सारे लोग आ गए। मैंने लोगों को सच बोला, कोई घुमा फिरा के नहीं, कुछ नहीं, सीधी सीधी बात। मैंने कहा भाई देखो, ऐसा है, मैं कोई बहुत बड़ा फोटोग्राफर नहीं हूँ, अभी नया नया कोर्स किया है मैंने यहाँ से दो हफ्ते का। तो एक ऑप्शन तो है कि आप खुद रोल लेके आओ, खुद प्रोसेसिंग कराओ, और आपकी कॉस्ट आएगी, आप देख लो ये है, आपकी कॉस्ट आएगी 3,000 रुपये। दूसरा ये है कि मैं आपके लिए सब कुछ करूं। अब अगर मैं किसी भी होलसेल मार्केट में जाता हूं तो वही फिल्म रोल जो आपको 150 रुपये का मिलता है, मुझे 50 रुपये का मिलता है, उसमें मुझे 1,500 रुपये बचेगा। तो आप जैसे कहोगे वैसे कर लेंगे, ऐसे या ऐसे। उन्होंने कहा यार हमें क्या प्रॉब्लम है, आप ही कर लो ना, हमारा तो खर्चा उतना का उतना है। देखो मेरा उस टाइम भी यही मानना था, आज भी यही मानना है और हमेशा यही रहेगा कि अगर ज़िंदगी में कभी भी कुछ करना है ना तो सच बोल दो, घुमा फिरा के बातें मत करो, सच बोल दो। और लोग आए, मुझे याद है मैंने 4,800 रुपये की अपनी वो पहली एड दी थी, जिसकी वजह से मेरे से करीबन 7 या 8 लोगों ने पोर्टफोलियो बनवाया और मेरी ज़िंदगी की जो पहली इनकम थी 15,000 से 20,000 रुपये की यहाँ से आई। दिस वाज़ द फर्स्ट सक्सेस। अब मेरी लाइफ का दूसरा बड़ा फेलियर, एक लड़का आया मेरे पास, आकर के बोलता एक काम करते हैं मिलके ना, एक इवेंट कराते हैं बढ़िया सा, न्यू ईयर पार्टी करते हैं, आजकल न्यू ईयर पार्टीज बहुत चल रही हैं, वो करते हैं। अब मेरे अंदर से आवाज़ आई, मैंने कहा यार इवेंट करने का तो मैं बहुत टाइम से सोच रहा था। मैंने कहा मैं करूँगा तेरे साथ, तू चिंता मत कर, बस एक ही प्रॉब्लम है, मेरे पास पैसा नहीं है। कहता यार तू पैसे की टेंशन मत कर, पैसा सारा मैं लगाऊंगा, तू बस काम कर। मैंने कहा हो गई डील, 1 महीने तक काम मैं करूँगा, पार्टी मैं कराऊँगा, सब कुछ मैं कराऊँगा, एंड में पैसा तेरा लगेगा, जो बचेगा 50-50। कहता कोई दिक्कत नहीं है, डन। उसने 15,000 रुपये मुझे दिए, मैंने ले जा करके एज इट इज़ वो 15,000 रुपये बैंकेट हॉल वाले को पकड़ा दिए, डीजे को पैसे दिए, केटरर को पैसे दिए, वो सब लोग मुझे जानते थे। जा जा करके खुद प्रिंटर को थोड़े से एडवांस दिया, वो प्रिंट्स बनवाए, स्टिकर्स, पोस्टर्स, जा जा करके यूनिवर्सिटी में लगाए, बैनर्स लगाए। अब प्रॉब्लम क्या हुई थी कि उससे 3 दिन पहले वो जब इवेंट था, उस भाई ने मुझे आकर के बोला, कहता कि मैं अब और पैसे नहीं दे सकता। मैंने कहा भाई पैसे तो देने पड़ेंगे क्योंकि बाकी लोगों को देने हैं, अगर नहीं दिए तो वो मुझे जानते हैं, मुझे आकर के पकड़ लेंगे। कहते अब देख ले फिर तू मत कर। मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, करना पड़ेगा। तो फिर मैंने कहीं से अरेंज करके पैसे अपने दोस्तों से, यहाँ से किसी से 5,000 रुपये लिए, 2,000, 3,000, 1,000 इकट्ठे करके सबको पैसे दे दिए। इवेंट हो गया, सक्सेसफुल हो गया। 31 दिसंबर 1999 की रात थी, इस इवेंट का नाम था डिक्स 2000, मतलब सन 2000 का नया साल शुरू होने वाला था। एक बैग में सारे पैसे थे, मैं उसके पास गया, मैंने जा करके बोला, मैंने कहा चल भाई अब ऐसा करते हैं, हिसाब कर लेते हैं, तूने जो पैसा लगाया मैंने लगाया उसको हटा के और फिर आधा आधा कर लेते हैं। कहता कौन सा हिसाब, कहता कौन से पैसे, और वो गाड़ी में बैठा अपने दोस्तों के साथ में निकल गया। एक वो दिन था, एक आज का दिन है, मैंने ज़िंदगी में कभी उसको दोबारा नहीं देखा। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होता, कोई एलियन नहीं होता, तो वो क्या करता ऐसी सिचुएशन में, रोने लग जाता, परेशान हो जाता। मैं खुश हो गया क्योंकि अंदर बैठा हुआ था कि लाइफ में जो एक्सपीरियंस है वो ख़राब एक्सपीरियंसेस से आएगा, और मैं खुश हो गया। मैंने कहा वाह यार मज़ा आ गया, लाइफ का इतना ख़राब एक्सपीरियंस, इससे ख़राब और क्या हो सकता है। खुश हो गया, और मेरी मदर यहाँ बैठी है, उनको याद होगा 1:30 बजे जब मैं घर आया, आ करके मैंने म्यूज़िक फुल वॉल्यूम पे लगा दिया अपने कमरे में, फुल वॉल्यूम पे, और डांस कर रहा था अकेला, डांस कर रहा हूँ नए साल का। मेरे घर वाले आए, पापा मम्मी आए, उन्होंने कहा हाँ भाई क्या चल रहा है, लगता है बहुत बढ़िया पार्टी हुई है तेरी। मैं बस पूछो मत कि क्या हुआ है, पूछो मत कितनी बढ़िया हुई है। जैसे ही मैंने बताया कि ये हुआ है, तो फिर आधा घंटे तक मेरी क्लास चली कि तू बहुत भोला है, बेवकूफ़ है, किसी की भी बातों में आ जाता है, तेरे को कोई भी बेवकूफ़ बना के चला जाता है, तू सीधा है, इतनी जल्दी बातों में मत आया कर। मैंने कहा नहीं, ये बेवजह नहीं है ये फेलियर,
आज मुझे नहीं समझ आ रहा, आज नहीं तो कल समझ आ जाएगा, और जिस दिन आएगा उस दिन जिंदगी बदल जाएगी। एक साल निकला, दो साल निकला, समझ नहीं आया, कुछ समझ नहीं आया क्यों हुआ था वो फेलियर। 2003 में समझ आया, फोटोग्राफी में मैं एक लेवल पे पहुंच गया था जहां जाकर के अटक गया था। प्रॉब्लम क्या थी, फोटोग्राफी में सिर्फ काम नहीं बिकता, नाम बिकता है। मतलब मैं फोटोग्राफी चाहे जितनी मर्जी अच्छी करूं, अगर नाम नहीं है तो लोग उठा करके मेरी फोटोग्राफ जिनके मैं शूट करता था ना, वो जेन्युइन एजेंसीज में जाते थे, उठा के फोटो फेंक देते थे, कहते किस घटिया फोटोग्राफर से करा के लाए हो, कौन है संदीप महेश्वरी, जंगल में रहता है क्या, कहाँ से आया है, किसी ढंग के फोटोग्राफर से करा के लाओ। तो वो लोग मेरे पास आते थे, कहते सर ये क्या आपने क्या कर दिया, देखो कितना बेकार हमारा ये शूट किया है, क्या किया है। तो मैंने कहा किसी तरीके से नाम करना है, नाम कैसे करना है पता नहीं, लेकिन मैंने कहा आसान है, होगा नाम। तो कहीं से आइडिया आया कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता हूँ फोटोग्राफी में। मैं चला गया लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में, उनकी जो चीफ एडिटर हैं उनके सामने जा करके, मेरे को याद है मैं टेबल पे बैठा हुआ था, वो इधर मैं इधर, और मैं जा करके बैठ गया अपॉइंटमेंट लेकर के। उन्होंने कहा या टेल मी, मैंने कहा मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहता हूँ फोटोग्राफी में। तो कहती अच्छा क्या सोचा आपने क्या करोगे, मैंने कहा आप बताओ क्या करना चाहिए। तो अब मैं वहाँ अंदर तक पहुँच चुका था, तो वो धक्के देके मुझे बाहर नहीं निकाल सकते थे। तो मैंने कहा बेटे देखो इतना आसान नहीं होता, इसमें ना बहुत कुछ करना पड़ता है, तो मान के चलो बहुत बड़ा कुछ करना पड़ेगा। मैंने कहा जैसे, कहते दो ऑप्शंस हैं, एक तो है कि तुम इंडिया का कोई रिकॉर्ड बनाओ, एक है वर्ल्ड का बनाओ, इसमें दो तरह के रिकॉर्ड होते हैं। मैंने कहा इंडिया इंडिया का छोड़ो, वर्ल्ड का बताओ ना, वर्ल्ड रिकॉर्ड कैसे बनेगा। अब उन्होंने एक लिस्ट बताई, उन्होंने बताया कि क्या क्या होना चाहिए। उन्होंने कहा कम से कम 10,000 फोटो खींचनी पड़ेंगी, कोई भी फोटो एक दूसरे से मिलती जुलती नहीं होनी चाहिए, सब अलग अलग होनी चाहिए, हमारे मॉडरेटर्स बैठे होंगे, कम से कम 100 मॉडल्स को लेना होगा, और ये 12 घंटे के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए, और उसके बाद में जब फिल्म रोल बनेंगे हम कॉन्टैक्ट शीट देखेंगे, अगर सब कुछ सही होगा तब तुम्हारा नाम आएगा लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में और तब तुम्हें सर्टिफिकेट मिलेगा। मैंने कहा हो जाएगा, और कुछ हो जाएगा। मैंने उनको डेट दे दी, मैंने कहा अगले महीने की इस डेट को ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाएगा। मुझे नहीं पता था मैं क्या करने वाला हूँ, मुझे नहीं पता था। जाते जाते उन्होंने कहा हाँ संदीप एक सेकेंड, मैंने कहा हाँ जी। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें रिकमेंड करती हूँ कि तुम कोई इवेंट मैनेजमेंट कंपनी हायर कर लो इस काम के लिए। जैसे ही उन्होंने बोला ना इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, ठक हुआ। मैंने कहा मैडम ये इवेंट मैनेजमेंट कंपनी आपके सामने खड़ी है, डिक्स 2000। तो वो मेरी लाइफ का इतना बड़ा फेलियर मेरी लाइफ की एक बहुत बड़ी सक्सेस बनने वाला था। वहाँ से मुझे कॉन्फिडेंस आया कि अब मैं बनाऊंगा वर्ल्ड रिकॉर्ड। जैसे ही मैंने दोस्तों से डिस्कस किया, मैंने तू क्या कह रहा है, तू वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगा, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी लेगा, 3-4 लाख रुपए लेगी। मैंने कहा नहीं इवेंट मैनेजमेंट कंपनी नहीं लेंगे, मैं खुद करूंगा। कहता चल ठीक है, मॉडल्स एक मॉडल का तूने कहा 100 मॉडल चाहिए, कम से कम 5,000 रुपए एक मॉडल का, कम से कम है तेरे पास देने के लिए 5 लाख रुपए मॉडल्स को। मैंने कहा भाई मेरे पास तो 10-15 हज़ार रुपये भी नहीं है, मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगा कैसे करूँगा, मेरे पास नहीं है। मैं कहा लेकिन बनेगा वर्ल्ड रिकॉर्ड तो? उन्होंने कहा नहीं बन सकता। मैंने कहा बनेगा। कुछ दिन तक मैं बोलता रहा बनेगा बनेगा बनेगा। जब हम जवाब मांगते हैं ना तो जवाब मिलता है, और सामने से जवाब मिला। एक मॉडल मेरे सामने बैठा हुआ था, वो बड़ा मज़ेदार मूवमेंट था। उसने कहा कि मैं आपको इतने पैसे नहीं दे सकता, लेकिन मैं 500 रुपये दे सकता हूँ। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अंदर से आवाज़ आई, मैं कहा मैं अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहा हूँ और आप मुझे 500 रुपये दो, आपकी फ़ोटो खींचेगी, मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा, आपका 500 रुपये में शूट होगा, कोई प्रॉब्लम? कहते कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस बात को मैंने फैला दिया सब जगह, सब लोगों को बोला, लाइन लग गई। उसके बाद में सबने कहा 500 रुपये में फ़ोटो खींच रही है, 500 रुपये में, 500 रुपये में कोई पोर्टफोलियो बना रहा है, जो 30,000 का पोर्टफोलियो है कोई 500 रुपये में बना रहा है। उसके बाद में टोटल 122 लोग आए, 11.5 घंटे के अंदर अंदर 10,000 से ज़्यादा फोटोग्राफ्स भी क्लिक हो गई, शॉट्स भी कोई एक दूसरे से सिमिलर नहीं थे, इवेंट पूरा खुद मैनेज किया, और एट द एंड ऑफ द डे मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड तैयार। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ अपनी लाइफ का सबसे बड़ा फेलियर, वो मैं आपको बताऊंगा नहीं सिर्फ दिखाऊंगा कि वो ऐसा फेलियर क्या था। 21 साल की एज में जब मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, उसके बाद में मेरे माइंड में आया कि यार मेरे को एक बुक लिखनी है मार्केटिंग के ऊपर, और मैं था एक कॉलेज ड्रॉप आउट, मैं कॉलेज छोड़ चुका था 3rd ईयर में। अब मैं गया पब्लिशर्स के पास कि ऐसे ऐसे मैंने एक बुक लिखी है मार्केटिंग के ऊपर और मैं चाहता हूँ कि आप उसको पब्लिश करें। तो वो कहते थे, बड़े फॉर्मली बात करते हैं, या हैव अ सीट, सो आपने MBA कहाँ से किया है? मैंने कहा मैंने कोई MBA नहीं किया, आई एम अ कॉलेज ड्रॉप आउट। तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसे नहीं होता, हम नहीं कर सकते आपकी बुक पब्लिश। तो मेरे को सारे पब्लिशर्स ने निकाल दिया, बहुत सारे पब्लिशर्स के पास गया, लेकिन मैंने कहा मैं खुद करूँगा
इस बुक को निकालूंगा, निकालना है कैसे भी करके। और वो बुक खुद पब्लिश करी, और ये बुक आपके सामने है जिस बुक को पब्लिश किया था एट द एज ऑफ 21 ऑन मार्केटिंग। इस बुक में खास बात क्या है? इस बुक में अलग ये है कि इसके ऊपर लिखा हुआ है कि वन ऑफ द मोस्ट अनयूजुअल बुक्स इन द वर्ल्ड, मतलब दुनिया की सबसे अजीबोगरीब बुक्स में से एक। क्यों? क्योंकि सारी बुक्स ज्यादातर इंग्लिश की ऐसे खुलती है, यहां से ये यहां से खुलती है। ये इस बुक का पहला पेज है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, और ये पांचवा है। मतलब ये उल्टी चलती है, उल्टी किताब, उल्टी किताब चारों तरफ हो गया, उल्टी किताब लिखी है एक फोटोग्राफर ने, उल्टी किताब। लोग कई बोलते हैं कि कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करो, कुछ अलग करो, कुछ डिफरेंट करो। मैं मानता हूँ सब बेकार की बात है। आप उल्टे लटक जाओ और बोलो कि यार मैंने कुछ अलग किया, बेकार की बात है ना। कोई वजह होनी चाहिए। तो इसकी वजह, ये उल्टी क्यों है, वो पहले पेज पे लिखी थी उस टाइम पे। वो वजह क्या थी? बहुत बड़ी वजह थी। इफ यू कांट इवन चेंज द वे यू रीड, हाउ कैन यू चेंज द वे यू थिंक। यानी कि अगर आप अपने पढ़ने तक का नजरिया नहीं बदल सकते तो अपने सोचने का क्या बदलोगे? छोड़ो ना यार, इस बुक को मत पढ़ो, कोई बात नहीं। और वही हुआ, लोगों ने उस बात को सीरियसली ले लिया। लोगों ने कहा आप कह रहे हो मत पढ़ो तो ठीक है, नहीं पढ़ते। 1000 बुक्स मैंने छपवाई थी, उसमें से 150 बुक्स बिकी। 850 बुक्स घर में जगह बहुत घेर रही थी, क्योंकि छोटा सा घर था, उसी के अंदर स्टूडियो, उसी में हम लोग सब भरे हुए थे। तो मेरी मदर ने उठा करके वो कबाड़ी वाले को दे दी। तो एक अच्छा खासा फेलियर। हो सकता है आप कहीं चने खा रहे होंगे तो आपको उसके पेजेस दिखेंगे बुक के। फेलियर, बहुत बड़ा फेलियर। समझ नहीं आया कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ है। उस टाइम नहीं समझ आया, आज समझ आता है। बुक में मैं फेल हुआ, लेकिन इस बुक को लिखने के चक्कर में मैंने 85 बुक्स पढ़ डाली, और उसको पढ़ते पढ़ते मेरी फर्टाइल लैंड पे इतना हल चला कि मुझे सब कुछ आसान लगने लग गया। राइट, तो आज मैं जो कुछ भी हूँ अपने फेलियर्स की वजह से हूँ। अब फाइनल पॉइंट्स, कि मेरा जो सबसे बड़ा सक्सेस है लाइफ में वो कहाँ से आया। मॉडलिंग के वर्ल्ड में हम एक अकेली ऐसी एजेंसी थे जो लोगों को लिख करके एक फॉर्म साइन कराते थे कि भाई काम की कोई गारंटी नहीं है, हमसे फोटो खिंचवाओ जा करके एजेंसीज में, तो किस्मत अच्छी होगी काम मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। और सच बोल बोल करके हम दिल्ली की सबसे बड़ी एजेंसीज में से एक बन गए। तो फोटो तो हम खींचते थे अपनी तरफ से अच्छी, वो मार्केट में जाते थे उनको काम नहीं मिलता था। तो अंदर से आया कि यार कुछ करना है मॉडल्स के लिए, कुछ करना है। क्या करना है पता नहीं, इनसे पैसे नहीं लेने, किसी तरीके से इनका कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। और जब सवाल उठा तो जवाब भी आया। एक बार एक एजेंसी वाला आया, उसने कहा कि भाई मेरे पास में टाइम नहीं है, हम इसी फोटो को स्कैन करेंगे और सीधा छाप देंगे, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मैंने कहा मुझे क्या प्रॉब्लम होगी। मैंने मॉडल को फ़ोन किया, मैंने कहा हाँ भाई तुझे कोई प्रॉब्लम? कहता सर क्या बात कर रहे हो, इसमें क्या प्रॉब्लम है, इससे अच्छा और क्या हो सकता है, मेरे को मेरी फ़ोटो अगर न्यूज़पेपर में आ जाए, एक ऐड में आ जाए। फोटो आई, वो मॉडल खुश, मैं खुश, वो एजेंसी खुश, और ये था वो टर्निंग पॉइंट मेरी लाइफ में। तब अंदर से आवाज़ आई, यही है वो चीज़ जो मुझे करनी है, और वही किया। मैं आपको शॉर्ट में बताऊँगा कि आज की डेट में आप जितनी भी एड्स देखते हो न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में, होर्डिंग्स में, बोर्ड्स में, बड़ी बड़ी कंपनीज की, उसमें जो आप फोटोग्राफ्स देखते हो तो वो ज़्यादातर हमारी होती हैं, वो लोग हमसे खरीदते हैं वो वाले फोटोग्राफ्स। तो आज अगर इस सिचुएशन पे आकर के आप मुझसे पूछोगे मेरे लिए सक्सेस क्या है, तो मैं बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा कुछ चीज़ों में, क्योंकि सक्सेस सिर्फ एक चीज़ में नहीं होती, अलग अलग चीज़ों में होती है, अलग अलग लाइफ के एस्पेक्ट्स में। तो मेरा एक एस्पेक्ट, ये जो कंपनी शुरू हुई थी इमेजेस बाजार, ये हुई थी सिर्फ और सिर्फ उन मॉडल्स का कुछ अच्छा करने के लिए। आज से 6 साल पहले 2006 में जब ये कंपनी शुरू हुई थी, तो मैंने कसम खाई थी कि उस दिन के बाद मैं किसी भी मॉडल से एक रुपए भी लूंगा नहीं, उनको देंगे। एक वो दिन है, एक आज का दिन है, हजारों मॉडल्स ने हमारे साथ काम किया पूरे इंडिया में, एक भी मॉडल ऐसा नहीं है जो आकर के बोल सके हमने उससे एक रुपए भी लिया है। ये मेरे लिए सक्सेस। और इसी वजह से हमारी कंपनी में कोई इन्वेस्टर नहीं है और ना कभी होगा, क्योंकि इन्वेस्टर्स को ये सारी बातें समझ नहीं आएंगी। वो क्या बोलेंगे? कहेंगे तुम बेवकूफ हो, इंडिया के इतने बड़े प्रोडक्शन हाउस हो, सबसे बड़े प्रोडक्शन हाउसेस में से एक हो,
इतने शूट्स हो रहे हैं और तुम जेन्युइन काम कर रहे हो, अगर मॉडल्स को बोलोगे ना कि 50,000 रुपये दो, कोई पूछेगा भी नहीं क्यों, वो ला करके टेबल पे रख देंगे तुम्हारी, लेकिन हम नहीं लेंगे तो नहीं लेंगे भाई, ना आज ना कभी भी नहीं लेंगे। दूसरा, मेरे लिए सक्सेस क्या है, मैंने आपको एक स्टोरी बताई थी उस फीमेल की जिसको निकाल दिया था, जिसने 10,000 रुपये मांगा था, उसको 8,000 रुपये दिया था और फिर निकाल दिया था, जब मैं अटक गया था। उस दिन मैंने ये फैसला किया था कि आज के बाद मैं अगर किसी को भी रखूंगा तो उसको निकालूंगा नहीं, उसको नहीं निकालूंगा। वो खुद छोड़ के जाए तो बात अलग है, मैं नहीं निकालूंगा। 8 साल 10 साल 12 साल 14 साल जो जहां है सब वहीं के वहीं, हमारी कंपनी में चेहरे नहीं बदलते, सब वहीं के वहीं। तो मेरे लिए सक्सेस क्या है कि अपने इन एम्प्लॉयज को मैं दिल से शेयर करूं, इनके लिए जो भी कर सकता हूं वो करूं, किसी भी हद तक चला जाऊं, बस वो लोग खुश रहें, उनके लिए किसी भी हद तक चला जाऊं, ये मेरे लिए सक्सेस है। आप अगर मुझसे पूछोगे कि आज मैं क्या मानता हूं कि मैं सक्सेसफुल हूं या नहीं, तो मैं आपकी आंख में आंख डाल करके कहूंगा कि हां, मैं सक्सेसफुल हूं। क्यों? क्या इस वजह से कि जो पास्ट में मैंने काम किए? अरे नहीं मेरे भाई, वो पास्ट था, जो मेरे को अवार्ड्स मिले, जो भी बिजनेस किया, ये किया वो किया, वो कल था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में जो क्या बोलते रहते हैं, पास्ट में किसी एक चीज़ में फेल हो जाते हैं और बोलते रहते हैं कि मैं फेलियर हूँ, फेलियर हूँ, फेलियर हूँ। अरे भाई, आप फेलियर हो नहीं, आप फेलियर थे, हो नहीं, नहीं। दूसरी तरफ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पास्ट में किसी एक चीज़ में कामयाब हो जाते हैं और ज़िंदगी भर बस उसी का राग अलापते रहते हैं, अलापते रहते हैं कि मैं सक्सेसफुल हूँ। क्यों? क्योंकि वो 20 साल पहले मैंने ये किया था, 10 साल पहले। नहीं भाई, आज आप क्या कर रहे हो, आज आप खुश हो या नहीं हो, उस मोमेंट में आप खुश थे? आज क्या आप वो कर रहे हो जो दुनिया आपसे चाहती है कि आप करो, या आप वो कर रहे हो जो आपके अंदर से आवाज़ आती है? अगर अंदर से आवाज़ आती है, आप वो कर रहे हो तो आप सक्सेसफुल हो, नहीं तो कल आप सक्सेसफुल थे, आज आप फेलियर हो। तो आज ये जो मैं कर रहा हूँ, इस वजह से मैं सक्सेसफुल हूँ। जबकि आपको ताजुब होगा कि कुछ लोग आज भी ये मानते हैं कि मैं एक बहुत बड़ा फेलियर हूँ। क्यों भाई, मैं तो इतना कुछ कर रहा हूँ, बिजनेस में भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है। वो लोग जो मेरे साथ एक दिन एक रेस में भाग रहे थे और सबको लगने लग गया कि संदीप महेश्वरी एक ना एक दिन इंडिया का सबसे बड़ा एंटरप्रेन्योर बनेगा, मैं उस रेस से ही बाहर आ गया। मैंने कहा भागते रहो, मैं हुई नहीं इस रेस में। तो आज उनके हिसाब से ये जो मैं कर रहा हूँ, ये उनको समझ नहीं आने वाला, लेकिन उनकी नज़र में मैं फेलियर हूँ, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सब बकवास है, चाहे कोई मेरी तारीफ कर रहा है, चाहे कोई मेरी बुराई कर रहा है, सब बकवास है, सब टेम्पररी है। आज आप मेरी तारीफ कर रहे हो क्योंकि आपको कुछ अच्छा लग रहा है, कल अगर मीडिया में मेरे बारे में कोई नेगेटिव न्यूज़ आ गई तो आप लोग मुझे गालियाँ निकाल रहे होगे, मेरी बुराई कर रहे होगे, आप ही लोग बोल रहे होगे कितना घटिया आदमी है यार, देखो ना। तो क्या उस टाइम पे मैं फेल हो जाऊंगा? क्या उस टाइम पे मैं आकर के ये बोलूंगा कि मैं फेलियर हूं? तो मैं इस वजह से सक्सेसफुल नहीं हूं कि कुछ लोगों को लगता है कि मैं सक्सेसफुल हूं, कुछ लोगों को लगता है कि मैं फेलियर हूं। मैं इस वजह से सक्सेसफुल हूं क्योंकि मुझे लगता है कि मैं सक्सेसफुल हूं। कल ना मेरा एक दोस्त मिला था, उसने मुझसे पूछा, कहता यार तुझे ना ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है ये सब करने की, ये जो तू कर रहा है? मैं जब 12-13 साल का था ना, तब इस सब की शुरुआत हुई थी। मेरी दादी मुझे कहानी सुनाती थी और वो कहानी मुझे इतनी अच्छी लगती थी कि मैं रोज़ सुनता था और रोज़ रोता था उसको सुन करके। दादी कहती थी अब मैं नहीं सुनाऊंगी, तू रोता है। मैं कहता नहीं 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 सुनाओ सुनाओ सुनाओ, बहुत अच्छी कहानी है, सुनाओ। वो कहानी थी एक ऐसे आदमी की जो बहुत खुश रहता था अपने परिवार के साथ, यहाँ पे वहाँ पे बहुत अच्छा मज़े में। उसके बाद में एक ऐसी स्टेज आई जब उसकी लाइफ में जब उसके अंदर लालच आ गया और उस लालच की वजह से उसने लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया अपने माँ बाप के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, पूरी दुनिया के साथ, सिर्फ अपने फ़ायदे का सोचने लग गया और धीरे 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 सबसे अलग हो गया, यहाँ तक कि अपने बीवी बच्चों से भी लड़ाई झगड़ा करने लग गया। तो जब उसकी लाइफ के कुछ आखिरी सेकेंड्स बचे हुए थे ना, जब वो जाने ही वाला था इस दुनिया से, तो उसकी आंख से आंसू निकले जा रहे थे, वो रोए जा रहा था, रोए जा रहा था, रोए जा रहा था, और आखिरी वर्ड्स जो उसके मुंह से बाहर आए वो थे कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई।
मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, और वो चला गया इस दुनिया से ये बोल कर। जब मैं वो कहानी सुनता था अपनी दादी की, तो मेरे अंदर कुछ होता था, मुझे नहीं पता वो क्या था, लेकिन मैं हमेशा ये सोचता था कि भाई जब मेरे वो लास्ट मोमेंट होगा लाइफ का, तो मैं क्या बोलूँगा, मैं क्या बोलूँगा अपने सब लोगों को। उस टाइम मुझे नहीं समझ आया, आज समझ आता है। जब मेरी लाइफ के वो आखिरी सेकंड्स होंगे ना, आंसू निकल रहे होंगे, रो रहा हूँगा, लेकिन वो खुशी के आंसू होंगे, और रोते रोते मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा, बस हंस रहा हूँगा, और मन में ये चल रहा होगा यार मज़ा आ गया, क्या जिंदगी थी, मज़ा आ गया। मजा आ गया, ये है जिंदगी, ये जिया मैं, ये चल रहा होगा मेरे अंदर, किसी को कुछ नहीं बोलूंगा, बस अंदर से सोच रहा हूँ, कोई गिला शिकवा नहीं। अब इस सेमिनार का फाइनल मोमेंट, मैंने सेमिनार के शुरू में आपको कहा था कि मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए और ना मैं कभी अपने फायदे की कोई बात करने वाला, मैंने झूठ कहा था, कुछ तो मांगूंगा, ऐसे नहीं जाने दूंगा, कुछ तो मांगने वाला हूँ। तो मैं आप सबसे अपने पूरे दिल से कुछ मांगने वाला हूँ, हो सके तो देना, नहीं हो सके तो मत देना। तो मैं हाथ जोड़ के आप सबसे ये मांगता हूँ कि आज ना आप सबके अंदर एक भूख है, कुछ करने की भूख, कुछ बनने की भूख, जो आपको यहाँ तक लेकर के आई है। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा आपकी ज़िंदगी में जब आपके पास उससे बहुत ज़्यादा होगा जितनी आपकी ज़रूरत है। उस दिन अगर कहीं कोई भूखा मिलेगा ना, तो उसकी थोड़ी सी मदद कर देना यार, थोड़ी सी मदद कर देना। आज मेरी ज़िंदगी का आखिरी लाइफ चेंजिंग सेमिनार था, ये एक चीज़ ख़त्म हो रही है, लेकिन एक दूसरी चीज़ की शुरुआत हो रही है। मैं अपने उन सारे एक्सपीरियंसेस को एक एक करके वीडियो में रिकॉर्ड करता जाऊँगा। आज मैंने आपको बोला आसान है, तो आसान क्यों है? अपनी लाइफ की हर सिचुएशन में मैंने अपनी छोटी से छोटी प्रॉब्लम, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को आसान कैसे बनाया, वो मैं आपको बताऊँगा उन वीडियोज़ में, खोल करके सामने रख दूँगा, दिल को, दिमाग को, सबको खोल करके सामने रख दूंगा, जिससे अगर किसी को कुछ चाहिए होगा ना, कोई अगर कुछ करना चाहता होगा, वो सिर्फ उस जगह पे जाएगा और फ्री में जो चाहेगा वो कर सकेगा। और मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा, लेकिन मेरे जैसे लाखों लोग और आ जाएंगे सामने, लाखों लोग, आप ही में से निकल करके लाखों लोग आएंगे मेरे जैसे, मेरी जगह मैं नहीं होऊंगा यहां पर, कोई और पागल होगा जो यहां पे आकर के कुछ ऐसा कर रहा होगा, और ये दुनिया बदलेगी। आज मैं कह सकता हूं कि मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो गया। अगर आज भगवान भी मेरे पास आए ना और कहे कि चल मेरे साथ, तो मैं कहूंगा चलो यार, चलो, कहां चलना है, हो गया जो करना था कर दिया। आज लाखों लोगों ने मेरा ये सेमिनार अटेंड किया है, अगर मैं ऐसे ही करता रहता तो कुछ लाखों लोग और कर लेते, लेकिन अब इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग को, ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, आने वाले कुछ टाइम के अंदर अंदर करोड़ों लोग देखने वाले हैं, उसमें से कुछ लोग ऐसे ज़रूर होंगे जिनके दिल से आवाज़ आएगी, यहाँ से चीख निकलेगी कि मुझे शेयर करना है ऐसे लोगों के साथ जिनको मेरी ज़रूरत है। और जिस दिन ऐसा होगा, उस दिन सिर्फ इंडिया में नहीं, इस पूरी दुनिया में कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई भूखा नहीं रहेगा।
ये दुनिया बदलेगी, क्योंकि ये भी होना आसान है, आसान है, आसान है। बदलेगी ये दुनिया, बदलेगी।